हमारे चाचा कहते थे माठ साहब मजेदार हों तो पढ़ने में मौज बहुत आती है। ये ऐसे ही माठ साहब हैं। दो तीन बातों पे लड़का तुरंत जिंदा हो जाता है। अच्छा, एक हिंसा की बात पे, एक सेक्स की बात, अगर कोई सेक्स शब्द बोल दिया सब खड़े हो गए। कहां? अरे बोले कहीं नहीं, ऐसे ही बस बोल दिया। आपने खुद यूपीएससी की तैयारी की, वो सब प्रकरण कर? अच्छा रहा, मैंने घर फोन किया, मैंने कहा मैं प्रीलिम्स हो गया, तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात की हो। पिताजी अलग टेंजेंट पे होते थे। हाँ, हमसे कहते तुम आईएएस की तैयारी राग में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी, राजा नौकरी कहाँ करता है? अब ये लोग जाके लड़ेंगे अपने पापाओं से। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पढ़ाते जो हैं वो तो पढ़ाते हैं पर बकैती ज्यादा करते हैं। कुछ लोग आप जो बकैती करते हैं वो स्कूलों तक कैसे पहुंचेगी? टीचर को, खासकर हिस्ट्री के टीचर को बकैती करनी ही चाहिए। तो आपकी शादी हो गई, मान लीजिए हो ही गई होगी शायद, अब शादी हो गई लेकिन मन आप बंधे हैं ना, आपका मन थोड़ी बंधा है, हो सकता है। ये एक ओसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई करने का भी आप पर इल्जाम लगता है। पता चल गया कि ओझा जी ने तो भाई ओसामा बिन लादेन का लेफ्ट विंग का आदमी है, पाकिस्तानी इसको पैसा फंड करते हैं, इसको पाकिस्तान भेज दो। हमको पाकिस्तान भेज दोगे तो तुम्हारे बच्चे फिर कैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे? सर बड़ी बात है, थोड़ा विस्तार से बता। मैंने हिंदू को जाके बता दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, 2050 के बाद मुसलमान कब चल लेगा? वो बेचारा गांव का आदमी विनोद, सुन रहे हो विनोद? मैं गोंडा जनपद से हूँ और हमारे इलाके में रहने के लिए दो एलिजिबिलिटी हैं, या तो आप आईएएस ऑफिसर हैं और या आप अपराधी हैं। आपकी तो माता जी भी वकील हैं, फिर उन्होंने भी ऐसे ही कैरियर शुरू किया था, एक वकील को मारना पड़ा था उन्हें। और स्कूल कैसा होगा जो आप खोलेंगे इलाहाबाद में? स्कूल बोर्डिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं इंडिया में जो बड़े सारे पैसे लेते हैं, एक एक साल का एक बच्चे का 70 लाख रुपए लेते हैं, 80 लाख रुपए लेते हैं। एक साल का 80 लाख? वो कहते हैं मैं हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। और तो हम कौन किर्गिस्तान के लोग हैं जो हॉर्स राइडिंग पे जाएंगे खाना इकट्ठा करने? पर कभी कोई कहे कि अवध ओझा जी आपके विचार इतने क्रांतिकारी हैं, एक स्कूल तक उनको महदूद क्यों रखा जाए? सत्ता में आइए, शासन में आइए, सब स्कूलों में लागू करिए। सत्ता में चंद्रगुप्त को बिठाएंगे? क्या चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी के सामने आपके हिसाब से? कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारी कंट्री में, नाम मात्र का है, यूपी और बिहार। शिक्षा पर आप एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर हिजाब और भगवा पहनना है तो स्कूल छोड़ दो, मदरसा या मठों में जाकर पढ़ो। एक तो आप स्कूल जा रहे हो सीखने के लिए, भीख मांगने के, ऊपर से अपनी कंडीशन पे जाओगे। आपका एक ट्वीट है, कन्वर्जन मींस मूवमेंट फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस, एग्जांपल सिद्धार्थ बिकमिंग बुद्धा, ट्रस्ट एवरीथिंग इज अ ड्रामा, पर एम इन कैपिटल एंड पी इन कैपिटल को कौन समझाए? ये एम और पी कौन है? ये मौलाना और पुरोहित है, सारा रायता इन्हीं लोगों ने फैला रखा है। रिक्शे में क्या बात कर रहे थे जो रिक्शे वाला कॉलर पकड़ के उतार दिया? बेचारा बुजुर्ग आदमी था, रिक्शा चला रहा था, तो मेरी पिच हाई है बात करने की, तो ब्रेक लगाया तो हो गया, तो इतना पकड़ लिया। एक दर्शक ने पूछा क्या सच में आपके कोई मोदी जी दोस्त हैं? हाँ हाँ, मेरे क्लासमेट हैं। कास दिव्यकीर्ति पर आपके क्या विचार हैं? और एक महान शिक्षक हैं। और खान सर? मैं उस आदमी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सेक्स एजुकेशन को लेकर सर क्या सोचते हैं? अगर सेक्स एजुकेशन नहीं होगा तो ये जो देश भर की दीवारों पे लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले, ये नहीं खत्म होगा। कोई चीज बताते हैं तो मिर्जापुर के कई सारे किरदारों का जिक्र करते हैं। अक्टर फैन हो आप मिर्जापुर के? बुड्ढू भैया कहते हैं ना लाला से कि लाला हम ऐसे आदमी हैं जिसको खुद ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अबे तुम हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, तुमको क्यों नहीं पता है? कई लोग ये भी कहते हैं कि अवध ओझा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन अब आपने क्वेश्चन कर लिया। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, सर हिस्ट्री ऑप्शन रख लें। मैं कहता हूँ रख लो सर, बहुत बड़ा है। तो ज्योग्राफी रख लो सर, गुड्डू भैया दे रहे थे 4 अटेम्प्ट, उनका नहीं हुआ। अच्छा तो सोशियोलॉजी रख लो सर, उसमें मज़ा नहीं आता। अब नाच देखने गए हो कि मज़ा ले रहे हो? भाई साहब हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, एक तो इसलिए कि आपने हमें कृतज्ञ किया हमारे न्यूज़ रूम में आके, कोई व्यक्ति यदि आपको अपना ध्यान और समय दे तो आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। दूसरा, आप इतिहास पर बहुत मज़ेदार चीज़ें बताते हैं और तथ्य सम्मत बताते हैं, तो एज ए कम्युनिकेटर वो हम सब के लिए एक सबक की तरह होता है कि ज्ञान को बोझिल नहीं करना है। आपके स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई जो सफल होकर आईएएस बने या नहीं भी बन पाए, दोनों की साखी में ये एक बात कॉमन थी कि उन्होंने बोझिल नहीं रखा, ज्ञान को रुचिकर रखा। और तीसरी बात, आप ब्रह्मांड के केंद्र कानपुर से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी मैं आपका भरपूर सम्मान करता हूँ। और हर अच्छी जगह की तरह यहाँ पर भी कानपुर तत्व का प्राचुर्य है। कौन कौन है कानपुर से? बड़जड़ के हाथ उठाओ। हाँ, नहीं उठा रहे, जलता है मजनू। आपको ये
ऐसे होता ना कि एक कोई प्रसंग होता है और लगता है अरे यार ये तो कि पढ़ा तो बहुत दिनों से रहे थे, लेकिन वो रील बनने लगी या कोई वीडियो वायरल हो गया, वो पहला हिट कब मिला कि ये तो एक नई ऑडियंस जुड़ गई है जो क्लासरूम से बाहर की है, जो अपने आप को कनेक्टेड फील कर रही है जो मैं बोल रहा हूँ उससे? नहीं, मेरी वीडियोस बनानी शुरू की वाजीराम क्लास के लड़कों ने। ऐसी मोबाइल से? मोबाइल से, जब वो लास्ट क्लास में पार्टी वगैरह करते थे तो वीडियो शूट करते थे, बोलते थे सर आज कुछ फाइनली बोली दो, कुछ मंत्र बता दो, क्या करना है, कैसे करना है, तो वहाँ से वो शूट करने लगे। तो शूट करके वो यूट्यूब पे उन वीडियो को डालने लगे। फिर एक बार कानपुर से ही मुझे फ़ोन आया फैजल भाई का कि सर आप वायरल हो गए हैं। तो मुझे लगा कि वो आदमी कह रहा कि आप वायरस हो गए हैं, क्योंकि वायरस ही हमने सुना था, वायरल तो हमें पता नहीं क्योंकि टेक्निकली बहुत पीछे हैं। तो हमने कहा यार ये क्या होता है? कह रहा है आप बहुत तगड़े से वायरल है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और ये है वो, आप तगड़े से वायरल हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर किसी वीडियो में मैंने बोला था भगवान के बारे में कि भगवान सबको मिलते हैं, बस आदमी की तीसरी आँख खुली होनी चाहिए। तो उस पर कुछ संदर्भ था, उसी को लेकर लोगों ने वायरल किया था। तो वहाँ से पहली बार लगा कि अच्छा ये कोई वायरल होने वाली चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। भाई साहब फिर भगवान पर ही चर्चा हो जाए पहले, आप हमारे लिए किताब भी लेकर आए हैं, इसके बारे में बताएं। ये गमछा भी मैं स्वामी अड़गरन जी ने ही दिया है मुझे। अच्छा। मैं छत्तीसगढ़ गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि, और मेरे जीवन का जो बदलाव है इन आश्रमों से ही शुरू हुआ। अच्छा, बताएं विस्तार से। तो मैं गोंडा जनपद से हूँ, तो हमारा चूँकि सावंतवादी इलाका है बहुत ज़्यादा, और हमारे इलाके में रहने के लिए दो एलिजिबिलिटियाँ हैं। अच्छा। या तो आप आईएएस ऑफिसर हैं और या आप अपराधी हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़मीन बचानी है, सबसे ज़्यादा लड़ाई उसी की है, ज़मीन की है जी। तो हमारे पेरेंट्स एक लंबे समय से बाहर रहे, गांव नहीं जा पाए, ये ज़मीन के विवाद के चक्कर में, गांवदारी के विवाद वगैरह के चक्कर में। आपकी तो माता जी भी वकील हैं फिर? हाँ वकील है, लेकिन बाहुबली वकील नहीं है ना, एक सामान्य परिवार से आती है, और 1980s में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी, जब मतलब लड़कियों के लिए वकालत गोंडा जैसे शहर में एक अभिशाप माना जाता था। मेरे ख्याल से माता जी इकलौती वकील होंगी महिला वकील, 1980s में अकेली थी। तो उन्होंने भी ऐसे ही कैरियर शुरू किया था, एक वकील को मारना पड़ा था उन्हें। सर ये दीर्घ उत्तरी सवाल है। एक्चुअली लोग मजाक बनाते थे 1980s में, महिला गोंडा जैसे शहर में कचहरी जा रही, तो किसी ने शायद उनसे कहा कि अरे तुम्हारे तो काम है लाली लिपस्टिक लगा के घर में बैठने का, तुम कहाँ कचहरी आ रहे हो मुकदमा लड़ने के लिए। तो उसी पे मारना पड़ा उन्हें, तो उस मारने के बाद से ही उनका कैरियर शुरू हुआ। मारपीट करो तो ये वकील बचा लेगी और खुद भी दुचर देती है। हाँ, नाम करने का अच्छा तरीका है, या तो आप मतलब पॉजिटिवली नाम कर लें किसी क्षेत्र में या नेगेटिवली कर लें। तो वहीं से एक बात हो गई कि भाई बहुत दबंग वकील है, बड़ी डेयरिंग महिला है, तो वो उनके लिए अच्छा रहा कदम रहा। पर आपकी आश्रमों की आवाजाही की शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत मतलब ये रही कि मेरा पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे पिताजी मुझसे कहते भी थे शुरू से कि पढ़ के कोई कुछ कर नहीं पाया जीवन में। इतनी ये मार्मिक बात है, इसको चौराहों पर लिख देना चाहिए जी। तो उन्होंने मुझसे वो हमेशा कहते थे इसी बात पर, मतलब मेरी माता पिता जी में बड़ा हमेशा से तनाव भी रहा। एक बार तो डाइवोर्स की भी नौबत आ गई कि हम नहीं रहेंगे अपने लड़के को लेकर, बिकॉज अब जिस सोसाइटी में माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने की बात करते हैं और उनका बस चले तो 28 घंटे बच्चों को पढ़ाएं ही, तो वहाँ पे मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ज़्यादा पढ़ोगे तो क्लर्क हो जाओगे। तो मैं शुरुआत में तो उनकी बातें नहीं समझता था, लेकिन खैर कोई पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट नहीं था। और फिर गोंडा में संगत, गाँव के झगड़े, तो उनसे रास्ते बदलते चले गए, और उन बदलते रास्तों की वजह से एक समय ऐसा आया जब जेब में माचिस आने लगी, और बड़ा अच्छा लगता था। एक एटीट्यूड में खड़े होके ऐसा लगता था कि मतलब सिगरेट पीने से ऐसा लगता था कि हम भी बाहुबली ही हैं। आई हैव अराइव्ड। हाँ, आई हैव अराइव्ड। कितनी बाली उम्र थी तब कैलेंडर में आपकी? 15-16 रही होगी। बहुत अच्छे। तो वहाँ से जो है, और उससे एक सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलती है, मतलब अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं कि अरे बड़े भैया। तो कौन उस टाइम कौन आपके जमाने में कौन से ब्रांड्स चलते थे? कैप्स्टन और एक थी जिसमें उसमें फिल्टर नहीं होता था शायद। नहीं, उसमें पहनावा में नहीं होता था। अच्छा, पहनावा में नहीं होता था वो, शायद
30 उस 40 पैसे की मिलती थी। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये पट्टी नीचे लगा देना। नहीं नहीं बिल्कुल, सिगरेट में कोई कंटेंट नहीं होता। जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसके पीछे देखते हैं इसमें कितना प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, तो जिसमें प्रोटीन एनर्जी ना है उसका तो किसी को सेवन नहीं करना चाहिए। तो जब मैं गोंडा छोड़ा आया नहीं, माता जी ने कहीं पता तो छोटे शहर में तो पता ही चल जाता है फलाने का लड़का वहां बैठा धुआं उड़ा रहा था। माता जी ने तो तमचियाया ही, पिताजी ने कहीं देख लिया मुझे किसी ढाबली के पीछे सिगरेट पीते हुए। तो शाम को उन्होंने मुझसे पूछा कि यार सिगरेट का सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है। तो हमें लगा कि यार इनको पिताजी को मेरा क्या हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों, मैंने कहा विल्स होती। तो वो पूरा एक जो गद्दा होता है सिगरेट का वो, और एक ग्रीन कलर की एस्ट्रे और एक लाइटर लेकर आए थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो यार घर में बैठ के पिया करो और चोरों की तरह दुकान के पीछे मत खड़ा हुआ करो। फिर उसके बाद मैंने पी ही नहीं, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा ह्यूमिलिएशन फील हुआ कि यार यार पापा ऐसा कह रहे। तो जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तब मेरे ऊपर 19 केस थे उस वक्त ऑन रिकॉर्ड। उम्र कितनी थी? 18-19 साल थी। 19 साल 19 केस, बढ़िया एवरेज चल रहा था। अच्छा एवरेज चल रहा था। हाँ। कुछ तो इम्पोज थे, जैसे गांव में अक्सर होता है गांवदारी की, दो लोगों में झगड़ा हो गया तो उनको पता है इनका लड़का पढ़ रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा, तो उसमें केस लगा दिया। लेकिन गुरुजी कुछ ही इम्पोज थे, बाकी तो बता दीजिए। बाकी मैं चूंकि मैं एक पोस्टमास्टर का बेटा था तो लोगों को हमेशा बैकग्राउंड के हिसाब से बिहेव करने की आदत होती है। तो मैं मूवी देखने गया था चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछा, तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। मतलब आधे घंटे गोली चली थी और वो हमारे सांसद जी थे, उनका सिनेमा हॉल था। ब्रजभूषण जी? नहीं नहीं नहीं, सत्यदेव सिंह। अच्छा, और उनके भी पहले की बात है, तो 80 के दशक की बात है ये? बात है 90 के दशक की। 90 के दशक की, तब शायद वो सांसद थे भी, शायद 92-93 की बात है, तो शायद वो सांसद थे बीजेपी से, अब तो है नहीं। तो अब चूंकि सांसद जी का सिनेमा हॉल था तो उनकी भी स्टेक लग गई थी कि हमारे हॉल में घुस के कोई गोली चला रहा है, तो ये तो हमारे इज्जत की बात है। तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई साहब ये? जी बिल्कुल कह रहा हूँ, तो रिकॉर्ड था, नॉन बेलबल वारंट थी, और भी कई सारे मुद्दे। क्या आत्मरक्षा में चलाई, मतलब क्या था मामला? नहीं बस यही मामला था कि तुम मारे कैसे मुझे। नहीं थोड़ा ये घटना ना एक सम, अरे रुक जाओ यार, तुम लोग बड़ा जल्दी हंसने की, यहाँ गोली चल रही तुम्हें मजा सूझ रहा है। आप गए चरस देखने स्कूटर पर बैठ के? जी हम और एक साहब थे, मुबारक। मुबारक हमारे यहाँ भी हैं एक मुबारक। अच्छा, जी अच्छा। तो आप और मुबारक स्कूटर पे बैठ के, आपके गांव का नाम है वजीरगंज का है ओझा का पुरवा। जी जी, ओझा का पुरवा से चले गोंडा जा रहे हैं। पापा दरअसल पोस्ट ऑफिस में थे तो हमें पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में घर मिला हुआ गोंडा में। जी बढ़िया, कौन सा स्कूटर था? लमरेटा? नहीं नहीं, प्रिया। प्रिया, ओ प्रिया प्रिया, ठीक है। फिल्म लगी थी चरस, सिनेमा हॉल का नाम कुंवर पिक्चर पैलेस। क्या बात, उसमें भी एक ध्वज है। पहुंचे फिर? फिर पिक्चर गए, मतलब वो जो इंटरवल होता है वहाँ बाहर निकले समोसा खाने। हाँ ऐसे ही, पान खाने। पान खाने, चलिए। तो वो साफ से मुलाकात हो गई, उन्होंने लगा दिया एक हाथ की, तुम रंगबाजी क्यों करते हो? उनका मतलब ये था, जैसे मैं स्कूल जाता था तो मैं अपनी ये वाली बटन खोल लेता था। अच्छा, मेरी बंद है तो मैं टाई नीचे कर लेता था, अच्छा लगता था मुझे। तो 90s में कौन स्कूटर में स्कूल जाता था, ज़्यादातर लोग साइकिल पे ही जाते। बिल्कुल भाई साहब। तो उनको शायद वो बात देख के बुरी लगती रही होगी कि इतनी रंगबाजदारी से तुम। तो वो खुद भी रंगबाज थे क्या? रंगबाज तो नहीं थे पर ठीक है, अपने आप को लगाते थे कि हम बदमाश हैं यहाँ के, गोंडा में तो हर दूसरा आदमी बदमाश है। तो उनने ऐसी धर दिया, रख दिया। फिर आपने फिल्म छोड़ी? और फिल्म छोड़ी मैं घर चलाया। फिर हमारे एक दोस्त हैं अभी अच्छे कॉन्ट्रैक्टरों में से हैं, शमीम रजा सिद्दीकी, मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा यार अब कुछ नहीं करना है जीवन में, पहले इसको मारना है। तो उन्होंने कहा बैठो बैठो, अब दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, दिमाग से मारेंगे। उम्र आपकी 16-17? हाँ। हमने कहा मारते हाथ से, दिमाग क्या लगाओगे, आज तो मारना ही मारना है। तो बचपन भी ऐसा बीता था, मतलब छोटे थे स्कूल जाते थे, क्लास में आते थे तो कोई बैग उठा के फेंक दे रहा है, कोई मतलब
बहुत टॉर्चर हुआ शुरुआती दौर का, जो बुली किए गए, हाँ बुली किए गए, तो सब बातें दिमाग में बैठी हुई थी शुरुआत से, तो वहीं से मतलब एक यू टर्न जिंदगी में शुरू हुआ। शमीम साहब ने कहा कि कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन वो मेरे साथ गए, उसके बाद वो गए और वो पार्टिसिपेट रहे, पार्टिसिपेट किया उन्होंने, हमारे साथ रहे, खुद गोली चलाई, आज तो उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, अच्छे पद में हैं। भाई साहब आप अपनी तो खोल ही रहे हो और जितने अगल बगल के नहीं नहीं कोई फर्क उनसे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ वो एलिवेट ही हो जाएंगे थोड़ा सा, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, फायर झोंक दिया, फिर फरार, फरार फिर एक हफ्ते फरारी में रहे, एक महीने, 307 लगी, 307 लगी, तो फिर एक महीने फरारी में रहे, माता जी लॉयर थी तो उन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि चूंकि 307 नॉन बिलेबल वारंट है लेकिन जेल नहीं जाने दिया था, एक ही दिन में जुवेनाइल कोर्ट, नहीं जुवेनाइल नहीं, लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट दोनों में जमानत करा दी थी। पर आपकी उम्र तो 18 भी नहीं थी फिर ये कोर्ट में, शायद 18 से ज्यादा ही थी शायद, पर थे स्कूल में, थे स्कूल में, आराम आराम से पढ़ रहे थे, हाँ हाँ आराम आराम से पढ़ रहे थे, पता जी ने कभी पढ़ने के लिए कहा ही नहीं, तो पढ़ाई आराम से चली रही थी। आपके पिताजी बहुत अद्भुत, मैं एक अतिरिक्त प्रणाम उनको है, अद्भुत मतलब ये है, उनका कहना ये था कि देखो बेटा, आज भी कहते देखो बेटा दुनिया का काम है आदमी को बर्बाद करना, तो मैं ही कर दे रहा हूँ, वो दुनिया नहीं कर पाएगी। okay. किसी माँ बाप ने कभी अपने बच्चे को शराब पीना नहीं सिखाया, सिगरेट पीना नहीं सिखाया, जिसने जब भी ये चीज़ें सिखाई गई तो बाहर के लोगों ने ही सिखाई, तो जब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा तो बाहर के लोगों को सिखाने में कुछ बचेगा ही नहीं। अब ये लोग जाके लड़ेंगे अपने पापाओं से। अभी आए थे जस्ट, दिवाली में थे हमारे साथ। अच्छा, मैं जहाँ भी हूँ 98% उनका योगदान है। पक्का बना दिया उन्होंने, पक्का बना दिया। तो लेकिन जब पिताजी ये सब सीख देते होंगे तो माता जी को तो बहुत क्रोध आता होगा। लड़ाइयाँ होती थी मेरे मुझे लेकर बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे बताया भी कि डाइवोर्स की स्थिति आ गई थी सही में। हाँ, एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब माताजी ने कहा कि हम नहीं रहेंगे अपने बच्चों को साथ में, तुम बर्बाद कर रहे हो मेरे बच्चों को इंटेंशनली और तुम्हारा दिमाग सही नहीं है वगैरह वगैरह जैसा भी था, पर वो कहते थे कि तुम समझ नहीं रही हो, जिस दिन भी इसे ये बात समझ में आएगी कि मुझे अब जीवन में क्या कर रहा है तो फिर उसके बाद उसको कोई रोकेगा नहीं। पता नहीं वो शायद, फिर कैसे समझ में आया, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं फिर पीछे जाएंगे। मेरे एक दोस्त है, उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2 फॉर्म आ गया था एंट्रेंस का, तो उन्हें कोई वो मुर्गा ढूंढ रहे थे किसी को वो बेच दे वो फॉर्म, तो मैं मिल गया, तो उन्होंने कहा अवध तुम्हारे लिए फॉर्म लेकर आए। तो उन्होंने कहा अच्छा लाए हो तो दे दो फिर। अच्छा, हमें भी घर से बाहर निकलना था क्योंकि माता जी ने बंद कर दिया था ताले में एकदम कि तुम कहीं नहीं जाओगे, घर में रहोगे, बाहर निकलना ही नहीं है, वो कुछ नहीं करना है। तो आपका पराक्रम छीण हो रहा था, पराक्रम छीण हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि अब इलाहाबाद की बात आ गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पढ़ोगे। अरे मैंने कहा बहुत, मैं समझ गया जीवन, मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने और इलाहाबाद में पढ़ूंगा। और 90s में इलाहाबाद में पढ़ने का मतलब IAS ऑफिसर क्रेज, वो एक अलग दौर था इलाहाबाद का, आज भी है, मतलब वहाँ की कुछ मिट्टी ऐसी है कि मुझे लगता है शायद ही कोई खाली हाथ वहाँ से जाता होगा। तो इलाहाबाद के फॉर्म ने मुझे बाहर निकलने का मौका दिला दिया कि बाहर जाना है, एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ एक लड़का मिल गया, अच्छा सा भगवान जैसा लड़का, तो मैंने उससे कहा यार कुछ हमें भी बता देना भाई, तो उसने कहा ठीक है बता देंगे, हो जाएगा तुम्हारा भी। तो हमें लगा कि पता नहीं, खैर उसने मुझे हेल्प की, बहुत हेल्प की, क्योंकि हमें तो अगर मिर्ज़ापुर वाले रतिशंकर शुक्ला जी काका काका तब पूछ लेते तो मैं फंस जाता, क्योंकि काका काका भी नहीं आता था, ABCD सुनानी पड़ती। तो उस लड़के की वजह से मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, और वो जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो लोग मिले, जो टीचर्स मिले, जो सीनियर्स मिले, बहुत अलग ही जगह थी। जब हम आपकी कहानी से गुजर रहे थे, जो हमारी रिसर्च टीम ने लोगों से बात की, तो एक टर्निंग पॉइंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और एक टर्निंग पॉइंट ऐसा जब आप दिन में कोचिंग पढ़ा रहे हैं और रात में बियर सर्व कर रहे हैं, बार में काम कर रहे हैं, बार में, ये कितने बरस पुरानी बात है? ये तो 2006-07 की बात है।
मैं 2005 दिल्ली आ गया था और यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टीट्यूट लॉन्च कर दिया था, उष्मा कोचिंग सेंटर। तो घर से तो कोई पैसा कभी मिला नहीं, था भी नहीं इतना पैसा कि वो हमें देते कंपनी चलाने के लिए। तो हमें रूम रेंट भी देना होता था, कोचिंग का भी रेंट देना होता था और अपना भी रहना होता था। और दिल्ली में मुखर्जी नगर का खर्चा ही था उस वक्त 20,000 पर मंथ के आसपास। तो वो सारे खर्चे वहन करने पड़ते थे, तो रात में काम करना पड़ता था और फिर सुबह क्लास लेनी पड़ती थी। तो वहाँ के किस तरह के तजुर्बे रहे? अच्छे रहे। लोगों को तारीफ सुनने का बड़ा शौक होता है, तो अगर एक वेटर पढ़ा लिखा हो और वो आदमी को कुछ अच्छी बात हो, और वैसे भी शराब के नशे में ज़्यादा ही सुनता है आदमी। आपने किसी से कह दिया कि सर आपके चेहरे पे तो राजाओं जैसे भाव हैं, तो वो तो 1,000 रुपये दे के गया कि यार जिंदगी में कोई तो आदमी पहचाना कि हम भी राजा हैं। तो वो चीज़ें बड़ी काम आई, मतलब वो अनुभव वो समझ बहुत काम आई। ठीक। इतिहास आप पढ़ाते हैं लार्जली? कई लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ाते हैं, जीवन जीने की शैली भी पढ़ाते हैं। और फिर कहा जाता है कि इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ, आपने खुद UPSC की तैयारी की, वो सब प्रकरण कैसे? क्योंकि आपने कहा इलाहाबाद जो जाते थे सबको IAS बनना होता था, और गोंडा में ज़मीन बचानी है तो या तो सिविल सर्वेंट बन जाओ या गुंडा बन जाओ। IAS की तैयारी की शुरुआत मेरे एक मित्र हैं, अभी सेल टैक्स में हैं, अच्छे स्टूडेंट रहे, बहुत अच्छे, शुरुआती दौर से बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। तो मैं उनके कमरे पर रुका हुआ था लखनऊ में, मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और 60% प्लस था मेरा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अवध तुम एक बहुत होनहार आदमी हो, मतलब पहली बार शायद उन्होंने मेरे अंदर का होनहार पता नहीं देखा या जो भी रहा हो। तो उन्होंने कहा अवध तुम बहुत होनहार आदमी हो और देखो तुम्हारे इतने अच्छे रैंक मार्क्स आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो तुम तैयारी करो। तो मैंने उनसे कहा कि यार क्यों फंसा रहे हो हमको, हमसे ये इतनी बड़ी चीज़ है। बोले नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों का ही होता है। और रात भर उस आदमी ने मुझे UPSC की कहानी और तैयारी और GS, तब दो ऑप्शनल होते थे जी, तो मेरा सब्जेक्ट भी था हिस्ट्री फिलोसफी, और दोनों पे मेरी एक अच्छी पकड़ थी टीचर मिलने की वजह से। तो उनकी कन्विंसिंग की वजह से मेरी IAS की तैयारी शुरू हुई और मैं इलाहाबाद से फिर दिल्ली आया, और मेरी माता जी आई थी मेरा एडमिशन कराने के लिए। क्या क्या सब्जेक्ट रखे थे? हिस्ट्री फिलोसफी। फिर वाजीराम में मैंने GS में एडमिशन लिया और वहाँ से मेरी तैयारी शुरू हुई। उसमें भी तैयारी शुरू होने के पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह ये रही थी, अभी तो मैं मन मेकअप ही कर रहा था, मेरे गोंडा के एक सीनियर हैं उनके कमरे में गया, मैंने कहा भैया, हाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करे दिल्ली आए हुए, तो हम कहें भैया वो IAS की कोचिंग करने आए। तो हंसने लगे और हंसने लगे और हंसते ही जा रहे थे वो, और फिर हंसते हंसते वो ज़मीन पे बैठ गए। और वो चीज़ इतनी, उनके एक सीनियर ने, उनके साथ सीनियर थे या रूम पार्टनर थे, उन्होंने आके उनसे कहा कि अरे जाने दो यार, क्या ठीक है पढ़ना चाहते हो, ठीक है तो अच्छा है तैयारी करो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो वो हंसी दिमाग में फीड हो गई थी, उसने तैयारी करने पे एकदम मजबूर कर दिया। क्या रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। जिस आदमी को काका गागा नहीं आता था, उसने जब पहली बार प्रीलिम्स निकाला, तो मेरी माता जी ने, मैंने घर फ़ोन किया, मैंने कहा मैं प्रीलिम्स हो गया, कहीं तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात की हो, समझ गई, वो जानती थी कि कुछ पैसा वैसा चाहिए होगा इसलिए फ़ोन कर रहा। तो फिर मैंने कहा अच्छा पापा से बात करो, कहें नहीं नहीं तुम नशे में हो, तुम सुबह फ़ोन करना। तो मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा यार वो प्रीलिम्स हो गया है। हाँ कहीं कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, अच्छा है। पिताजी अलग टेंजेंट पे होते थे। हाँ हमसे कहते तुम IAS की तैयारी राग में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी, राजा नौकरी कहाँ करता है। और इसी बात में मेरा फाइनली जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ, तो उनसे बहुत झगड़ा हुआ, मतलब इतना झगड़ा हो गया था कि मैंने कहा जीवन में आपसे बात ही नहीं करना, क्योंकि आप ही मेरी बर्बादी की वजह है, मम्मी सही कहती हैं, अननेसेसरी आप किसी को चढ़ा दे रहे हो, अननेसेसरी बोल दे रहे हो। पर पता नहीं शायद वो देखते रहे होंगे कुछ पूजा पाठ करने वाले आदमी। तो ये मुखर्जी नगर से जो मोक्ष केंद्र हैं आश्रम, उसका रास्ता कैसे निकला? नहीं, इलाहाबाद में चूंकि फिलॉसफी ऑप्शनल था, तो जब बुद्ध को पढ़ना शुरू किया और महावीर और शंकराचार्य, डेकार्ट्स, विटगेंस्टाइन और स्पिनोजा वगैरह, तो वहाँ से सोचने की क्षमता बहुत विकसित हुई। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूँ कि हर आदमी को पढ़ना ही चाहिए,
क्योंकि जो थॉट प्रोसेस इंसान की होती है उसको वो डेवलप करता है, सोचने की क्षमता को, एनालिटिक्स एनालिसिस जो चीज़ जिसको हम बोलते हैं वो फिलॉसफी डेवलप करती है। तो एनालिसिस की जो पोर्शन जिंदगी में मेरे शामिल हुआ वो फिलॉसफी ने दी वहाँ से, और वहाँ से ध्यान को लेकर कि अच्छा ध्यान भी कोई चीज़ है जो आज मेरी टीचिंग का सबसे फंडामेंटल चीज़ है। मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो पर तुम ध्यान और योग जरूर करो, उससे वो तुम्हें ये दो चीज़ कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देगी, किसी अच्छी जगह पर पहुँचाएगी। तो फिर माँ निर्मला देवी के आश्रम में मैं रहा, मतलब उनके संपर्क में रहा, उनके लोगों के संपर्क में रहा, वो सहज योग सिखाती थी, वहाँ से मेरी यौगिक जीवन शुरू हुआ ध्यान योग करना। तो वो कहती थी कि ध्यान में इतनी ताकत होती है कि आपका जीवन वो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगी, आपको कुछ करना नहीं, आपको कुछ छोड़ना नहीं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आपको ध्यान नहीं करना, आप शराब पीते हैं तो आपको ध्यान नहीं करना। उन्होंने कहा आप सब कुछ पीजिए, तो मैं पी के ही ध्यान करता था कि जब इतनी बड़ी बात है भाई, ट्रायल तो करना ही था कि सही बात है, अगर ऐसी बात है तो बदलना चाहिए। लेकिन मैंने फिर ध्यान नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी की गुलामी करोगे तो राजा कभी नहीं बनोगे, उनके एक प्रवचन में वो बोल रही थी। तो उन्होंने फिर उन्होंने आगे उस प्रवचन में बताया कि तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पर चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पर चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो बात मुझसे कनेक्ट हो गई थी कि ये बिल्कुल सही बात। थोड़ा विस्तार से बताइए ये बात, मतलब सुनने में आसान लग रही पर है सबसे मुश्किल बात यही है। नहीं, जितने जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ कि आज वो बेचारे इतना, आज तो हमारा जो समय था वो इतना वॉलेटाइल नहीं था, इतना खुला नहीं था, इतना ओपन नहीं था। आज तो डिस्ट्रैक्शन आदमी जेब में लेके चल रहा है, मोबाइल, वो है बड़ी प्यारी चीज, बहुत अच्छी चीज है, पर जितनी अच्छी है उतने ही लेवल की वो डिस्ट्रैक्शन भी है। मतलब पूरे पूरे दिन मैंने देखा लोग रोल स्क्रॉल करते रहते हैं बैठ के मोबाइल पे, और वो एक एक सेकेंड एक एक मिनट की रील्स होती है, वो उनका पूरा मन उसमें लगा होता है। तो जिस आदमी को भी राजा बनना है उसके उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में सबसे बड़ा जो बाधक है वो है मन। मन को डिसिप्लिन नहीं पसंद है, इसलिए बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते हैं क्योंकि वहां डिसिप्लिन है। इसलिए हर बच्चे का सपना है कि हम कॉलेज चले जाएं, वहां डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल 2 चीज देता है जीवन में, एक डायरी देता है, एक डिसिप्लिन देता है। और जितने लोग ये 2 चीज स्कूल से सीख लेते हैं, डायरी और डिसिप्लिन, मैं तो बाद में सीखा स्कूल के कि स्कूल की ये सबसे बड़ी देन थी डायरी और डिसिप्लिन, कि हमारा आज का दिन प्लान्ड होगा कि आज मुझे क्या करना है। क्योंकि राजाओं का सबसे जो प्रमुख गुण है वो प्लानिंग ही है। तो उनकी ये जो बात थी कि तुम्हारा मन अगर तुम्हें ऑर्डर देता है हर बात के लिए और तुम जो चाहते हो वो नहीं कर पाते हो तो तुम जहां जाना चाहते हो तुम कभी वहां पहुंचोगे ही नहीं। एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे 6 घंटे पढ़ना है पर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं तो मैं कैसे बनूंगा। तो ये बात उनकी मुझे इतनी कनेक्ट हो गई थी कि एकदम सही कहती हैं ये कि अगर मुझे जहां जाना है तो मुझे जो मैं चाहता हूं मुझे वो करना है, मुझे जितने बजे उठना है तो उठना है, मुझे जो किताब पढ़नी है तो पढ़नी है, मुझे आज का जो टारगेट पूरा करना है तो करना है। तो वो जो ध्यान की प्रक्रिया डेवलप होनी शुरू हुई मन को देखने की, वो बहुत शानदार रही। वेरी इंटरेस्टिंग। सवाल मेरे हिस्से के बहुत हैं पर ऑडियंस के भी बहुत सवाल हैं। हाँ जी, अच्छा उधर से ये लीजिए, जीशा माइक लीजिए, अब ऑडियंस वाला राउंड आप करेंगे। मैं अपने से शुरुआत करती हूँ। सर ने हमें बताया कि आप हिस्ट्री के अध्यापक हो, तो मेरा अनुभव यह है कि जब मैं स्कूल में थी हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता था, जैसे रट्टा मारना होता था, सारे डेट्स होते थे। बट अब समझ आ रहा है जब आप बड़े होते हो, जब आप मॉन्यूमेंट्स खुद जाकर देखते हो, म्यूजियम्स में जाकर देखते हो, तो कितनी बहुत रुचि है उस सब्जेक्ट में। तो एज अ टीचर आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का मेन रोल है, जैसे आप वुमन हो, आज़ाद हो, लेकिन आप अफगानिस्तान में अगर होती तो, अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाए अफगानिस्तान जाने की, आप नहीं जाएंगी क्योंकि आपको पता है कि वुमेन का क्या स्थिति है इस वक्त अफगानिस्तान में। तो अब क्यों है, अगर ये पता चल जाए और वो कनेक्ट हो जाए, बट सोशल इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे डिपेंड करती है। सामाजिक जो स्थिति होती है वो आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करती है।
आज की डेट में अगर आप देखो तो अफगानिस्तान में औरतों के पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ही नहीं, मेन के पास नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो हिस्ट्री का मूल काम है कि चीजों को प्रेजेंट करना विद एविडेंसेस, जैसे 2000 साल तक औरतों को कोई भी, सारे धर्मों ने बड़ी अच्छी स्थिति दी औरतों को, बड़ी इज्जत दिया, हिंदुइज्म ने, इस्लाम ने, क्रिश्चियनिटी ने, सब ने, लेकिन कोई भी औरत को उतनी आजादी नहीं दे पाए जितनी आज है। हक नहीं था आज जितनी आजादी, आज तो अगर वुमन चाहे तो वो शादी ना करे, बिना शादी करे भी अगर उसके बच्चे हैं तो भी रह सकती है वो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये सवाल ये उठता है कि ये कहां से आया, ये क्यों, ये कैसे हो गया? तो उसकी वजह है कैपिटलिज्म, उसकी वजह है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जैसे आप अभी कहीं जाओ काम करने, देखने की आप कोई रियल स्टेट में अगर बिल्डिंग बन रही है तो आप देखो, तो अगर मैन को 500 रुपए मिल रहे हैं तो वुमन को 300 रुपए मिलते हैं पर डे के, पे गैप है वो, पे गैप हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में। तो औरतें क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो औरतें इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल बन गई। भाई एक आदमी को आपको 500 सैलरी देनी है पर डे की और एक आदमी को 300 देनी है, तो वहीं से इंडस्ट्रियलिस्टों ने क्या किया, औरतों की आजादी के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया। इसलिए आप देखो सऊदी अरेबिया में फेमिनिज्म नहीं है क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है। तो जब इस तरह की पिक्चर विद डाटा एंड डायग्राम आप पेश करते हो तो उसे इंटरेस्ट पैदा होता है आदमी को, अच्छा ये वजह है। बस वहीं जहां इंटरेस्ट पैदा हुआ वहां मजा आने लगा। थैंक यू। सवाल, ओके यहां पर एक सवाल है, बताएं उदय। हेलो सर, मेरा नाम उदय है सर। सर आपने जब डोकलाम वाला केस हुआ था तब आपने इंडिया चीन रिलेशन पे एक बात बोली थी सर, मैं आप ही को कोट कर रहा हूँ कि पिछले वाले पीएम सज्जन थे, अभी वाले लीथल हैं। उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को फ़ोन पर एक ही बात बोली कि संघाई तो नहीं बचेगा और फ़ोन रख दिया। अब सर मेरा ये मतलब जानना है, जैसे चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कोट करते हैं तो उसका एक सोर्स होता है ना, तो सर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये काफ़ी हद तक ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कोई परसेप्शन को सपोर्ट करने टाइप, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई कि उन्होंने फ़ोन पर क्या बात की सर? नहीं नहीं कभी कभी क्या होता है कि टीचर और पोएट जी, इन लोगों को आज़ादी होती है बोलने की, ज़्यादा नहीं होती है लेकिन थोड़ी सी होती है। तो जब कभी क्लास में, और 98% बच्चा नेशनलिज्म के पॉइंट पे बहुत एक्टिवेट हो जाता है, जैसे आपने अपने देश की तारीफ कर दी, तो आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आपको लगा कि यार क्लास बहुत लो जा रही है, तो ठीक है मैंने उस लिबरलिज्म का फ़ायदा उठा लिया कि साहब हमारे प्रधानमंत्री थे, फ़ोन किया बचाओ, लड़का तुरंत सीधे खड़ा हो गया। जैसे ही वो सीधा हुआ मैंने वो जो कॉन्सेप्ट मैं उसे दिया था ना, उसे दे दे, ये ले ले भाई तू कॉन्सेप्ट और जा। बिल्कुल सर सही। अब ये तो सर क्लास का हो गया कि क्लास तो पूरा एकदम मोटिवेट हो गई, पर सर चूंकि अब आपके वीडियो भी बनते हैं, वायरल भी होते हैं, पर वो सर जो वायरल जो वीडियो होते हैं वो इस सेंस में जाते हैं कि जैसे कि एक कोई परसेप्शन है उसको आप या किसी पर्टिकुलर पार्टी के परसेप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं सर, ऐसा पोर्ट्रे होता है। इसीलिए मैं मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ता है कि मैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अब सोचता तो ये सब बातें कहीं किताब में तो लिखी नहीं होती, वो तो विद इन अ सेकेंड आपको कोई बात क्लिक करती है और आपने कह दी। अब कह दी तो सामने वाले ने क्या किया, अब जो लोग वायरल करते हैं भगवान खुश रखे उनको, वो उसका दूसरा साइड उठा के पेश कर देते हैं। तो हालांकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता जिससे किसी सामाजिक अहित हो या राजनीतिक अहित हो, इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि किसी को चोट ना पहुँचे, किसी को दुख ना हो। तो वो पर मेरा ऐसा कोई पर्सन, क्योंकि एज अ आईएएस टीचर, मतलब यूपीएससी का जो टीचर है वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को करेगा बिकॉज दे आर गोइंग टू सर्व द गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, किसी लीडर के पक्ष में नहीं, वो नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल, हम पत्रकारों का भी ऐसे ही होता है। ओके त्रिपाठी जी। जी सर नमस्कार, आपके फैंस हैं ढेर सारे और मतलब लगातार हमसे कमेंट्स में या नॉर्मल वीडियोस में भी कह रहे थे कि आप 2000 सर को कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे, तो आखिरकार आप आ गए। पर मैंने ये भी नोटिस किया कि जितने आपके चाहने वाले हैं और जितना शिद्दत से चाहने वाले हैं उतने आपके हेटर्स भी हैं, ना वो भी लगातार लेकर क्यों बुला लिया, तो ये क्या चक्कर है मतलब? और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पढ़ाते जो हैं वो तो पढ़ाते हैं पर बगैती ज़्यादा करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों के बारे में मतलब आपकी राय से क्यों बन रही है, या आपके जो चाहने वाले भयानक चाहने वाले हैं पर जो हेट भी करते वही खतरनाक तरीके से पढ़ाना, क्यों है ऐसा? पढ़ाना बकैती का ही एक पार्ट है। जैसे अभी इन्होंने हमसे कहा कि जब हम स्कूल में थे
मेरे पास एक इतनी बड़ी चुनौती होती है हिस्ट्री पढ़ाना। भारत जैसे देश में जहां के क्लास 10th की टीचर अपने स्टूडेंट को बोलती है कि बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ लो, जीवन में यह सब्जेक्ट तुम्हें कभी काम नहीं आएगा। उस सब्जेक्ट को मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूं तो लड़के का वो जो परसेप्शन बचपन का होता है वो बनकर बैठा होता है कि अब ये टॉर्चर करेगा, अभी हमें 4000 डेट बताएगा, अभी उल्टी सीधी बातें सुनाएगा कि बाबर बड़ा महान था, उल्टी सीधी बात बताए। उस परसेप्शन से बाहर निकालने के लिए बगैती एक दवा का काम करती है। वो जो मेरे चाहने वाले, नफरत तो मुझे कोई नहीं करता, ये जो आप कह रहे हो जो आपको बहुत भेजते हैं कि मत बुलाना, ये और चाहते हैं, ये सोचते हैं, क्योंकि ये पढ़ा तो लेते हैं मुझसे अच्छा, लेकिन मुझसे अच्छी बगैती नहीं कर पाते। तो जहां पे जो आदमी आपसे मात खाता है वो आपके उस चीज पे अटैक करेगा। इसलिए तो मुझे वायरल करते हैं कि जब वायरल करेंगे तो ये बगैती बंद कर देगा, और इसकी पावर बगैती है तो ये फिर स्लट डाउन कर जाएगा। पर ये जितना मुझे वायरल करेंगे मैं उससे ज्यादा बगैती करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बगैती करनी कैसी है। जैसे कि आपने बोला स्कूल के टाइम में, मैं भी अपना याद करता था, मेरी एक जॉर्ज मैम थी पढ़ाने आती थी और बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था। जितना आपने बोरिंग की बात की उतनी ही बुरी तरीके से बोरिंग क्लास होती थी। वो खोलती थी किताब, बढ़िया पैरा, चार लड़के खड़े हो जाते थे, पहले तुमको पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आता था एक अच्छा रहा। मुझे लगता आज भी यही है, मैं अपने छोटे भाइयों से, चाचा के लड़कों से बात करता हूँ, कुछ नहीं पता होता उनको हिस्ट्री के बारे में। तो आप जो बगैती करते हैं वो स्कूलों तक कैसे पहुँचेगी? क्या कोई खास ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके लिए? नहीं, ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, बस अर्थ है किसी सब्जेक्ट का रोल होता है। रोल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एक रोल है। जैसे दर्शन शास्त्र आपको एनालिसिस करना सिखाता है, भगवान से नहीं मिलाएगा वो, लेकिन आपके दिमाग को जिंदा कर देगा। वो जिंदा दिमाग खुद भगवान को ढूंढ लेगा। इसीलिए कोई दार्शनिक आज तक ये नहीं कह सका कि दर्शन पढ़ के मुझे भगवान मिले। कबीर को मिल गए, वो कभी पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि पैदाइशी दिमाग जिंदा है। जो दिमाग देखकर दोहे लिख देता है, भाई चक्की तो आपने भी चलते देखी होगी ना, पर उस आदमी ने देख लिया कि चलती चक्की देख के दिया कबीर रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए, तो आपकी शादी हो गई। मान लीजिए हो ही गई होगी शायद, अब शादी हो गई, लेकिन मन आप बंधे हैं ना, आपका मन थोड़ी बंधा है। चलिए आपका बंधा होगा, आपका बंधा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं अच्छी और ये बात बताना बहुत जरूरी कि बंधा होगा। जब भी कभी वो मन भागता होगा बाहर तो वो बंधन याद आ जाता होगा। हाँ, बहुत जोर से याद आता है। तो वो दो पार्ट है ना, एक दिल जो कहता है कि यार एक कोई जीवन में और होता तो मजा आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहता है। और नहीं कहता होगा, अच्छी बात है। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, आप मतलब मैं और इंसान, मैं जो एक आम इंसान है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पर कबीर का देखे कितना दोहा प्रासंगिक है। जो आदमी थिंकर है सोचेगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अगर आपका बड़प्पन समाज के काम नहीं आ रहा है तो आप खजूर के पेड़ की तरह हो, अनपढ़ आदमी, बकैती से कितना महान बन गया। तो बकैती भी एक आर्ट है, और टीचर को खासकर हिस्ट्री के टीचर को बकैती करनी ही चाहिए। तो अगर वो बच्चे के लेवल पे कर ले तो हमें यहाँ ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो सभी स्कूलों के टीचर से सर की तरफ से दरख्वास्त है कि थोड़ा किया करें, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सीरियस भी नहीं होते हैं लोग, टॉर्चर कितना करते हैं, बहुत परेशान। हाँ, सुला देते। अब से हाथ खड़ा करके हिस्ट्री वाले टीचर ही खड़ा करते हैं। इतनी सारी लेडीज यहाँ बैठी, आपको पता था कि आप क्यों आजाद हुई? आपने कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला फैक्ट सोचा था? नहीं सोचा होगा कि फेमिनिज्म क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो अगर अब ये चीज पॉइंट मैंने आपको दिया, कनेक्टिविटी, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, और मैंने आपको 50% पढ़ा दिया, तो उस कनेक्टिविटी के प्रिंसिपल पर आप बाकी 50% पढ़ोगे। तो मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो ये चीज नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, वो उनको बहुत परेशानी है। कानपुर कनेक्शन में वो हमारे फैजल भाई है, मोहम्मद शाह फैजल, तो इकरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कानपुर में, तो उसी के थ्रू मैं वहां से जुड़ा हुआ हूँ कानपुर से। सर, मुझे ये पूछना है कि क्या कभी कोई नेताजी का फोन आया कि यार उसको तारीफें बांटते हो और हमको डांटते हो, कुछ हमारा भी ख्याल करो? नहीं, किसी बड़े नेता का इस तरह का तो फोन नहीं आया कि सब उनकी तारीफ करते हो हमको डांटते हो। लेकिन वैसे लोग कहते हैं भाई हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हमारा भी नाम कभी कभी ले लिया करो,
ऐसे आ जाते हैं वो। सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ 2014-15 में वाजीराम में। तो आप क्लास में एक बात कहते थे, देर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो आपका इंटरेस्ट देखें तो अभी काफ़ी पॉलिटिकल दिखता है, तो आगे कोई आपका ऐसा प्लान है कि आप पॉलिटिक्स में जाएं? नहीं, देश का जो शिक्षक तबका होता है वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो चाहता है कि वो विचारधारा देश में चले, तो उस विचारधारा की वजह से वो किसी ना किसी विंग से अटैच जरूर होता है। अगर वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं करता तो कम से कम इनडायरेक्टली अटैच होता है, और इनडायरेक्टली अटैच होने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी उस विशेष पार्टी के लिए थिंक टैंक का भी काम करता है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो पॉलिटिशियंस के पास कम होती हैं, ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं होती। तो ऐसा फील होता है कभी कभी उस वजह से कि जब आदमी थोड़ा उसका सोशल ग्राफ बढ़ना होता है तो लोग, ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि अब ये राजनीति में जाएंगे, अब ये चुनाव लड़िए हैं, एमपी बनने का सपना है इनका। पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है, मैं अपना स्कूल चलाना चाहता हूँ जो पॉसिबली मैं 2023 में शुरू करूँगा। आपके जीवन में एक सर रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उपाध्याय सर। अच्छा, उपाध्याय। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आप मतलब बहुत रंगबाज टाइप के थे, और मतलब ये उनका वर्जन है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको नेता बनना था। अभी दीप ने बोला, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो उपाध्याय सर ने आपके जीवन में क्या चेंज लाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दिनों में, तो वो थोड़ा कोई किस्सा बताइए। ये फिलॉसफी के टीचर हैं और उनसे मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो ये थी कि सब्जेक्ट का जो मर्म है, जैसे दर्शन शास्त्र आम आदमी हिस्ट्री तो पढ़ ले, इकोनॉमी पढ़ ले, पर दर्शन की क्लास तो और डेंजरस होती है। इसलिए जहां तक मुझे पता है कि शायद स्कूल लेवल पे दर्शन ऐसा सब्जेक्ट नहीं है शायद। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि दर्शन पढ़ाना अपने आप में एक बड़ी बात होती। तो वो क्या करते थे, जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि शंकर की माया समझा रहे थे वो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्लास से कहा उन्होंने कि शंकर कहते हैं कि संसार माया है, क्या है इसका मतलब। तो हर आदमी ने अपनी अपनी तरह से जवाब दिया। तो एक लड़के को बुलाया, उन्होंने कहा कि दीवार में सर मारो जरा अपना। अरे उसने कहा गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो। कहा नहीं, अच्छा धीरे से ही मार दो। तो धीरे से मारा, तो बोले दीवार है ना, बोले है। तो बोले ये शंकर को क्या पड़ी है संसार माया कहने की। तो वो जो चीज होती है कि आपके अंदर कोई एक थॉट करने का जज्बा पैदा कर दे, बोले संसार तो है, ये तुम्हारी आशा है संसार से कुछ पाने की, वो गलत है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ तुमको खुशी दे देगी, तुम्हारे हस्बैंड तुमको खुशी दे देगा, ये तुम चाहते हो। ये जो तुम्हारी चाहत है संसार से किसी भी तरह की, कि फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे तो मजा आएगा। अरे भैया फॉर्च्यूनर खरीद लोगे फिर वो तुम्हारा खून भी तो पिएगी, मेंटेनेंस भी तो मांगेगी, पेट्रोल भी तो डलेगा। तो ये दुनिया, तो उन्होंने बताया कि ये दुनिया आप सोचते हो कि हम भोगेंगे, पर ये पलटकर आपको भोगती है। अभी आपको लगता है कि 500 करोड़ का पेंटा हाउस लेंगे, बंगला लेंगे, फिर उसका मेंटेनेंस। तो वो जो ऐसे जो टीचर्स होते हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, उपाध्याय सर का ये सबसे बड़ा योगदान था कि पढ़ाने का जो उनका तरीका था और एक्सप्लेन करने का और क्लास को लाइवली बनाने का। कभी उन्होंने किसी बच्चे, शायद ही किसी स्टूडेंट को क्लास में डांटा हो, कोई लड़का जैसे आमतौर पर होता है क्लास में, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ, मैं भी कभी क्लास में किसी को नहीं डांटता। तो मेरी क्लास में कोई, ये तो रहे होंगे क्लास में, मैं तो कहता था कि भैया देखो तुम क्लास में आओ और बेडशीट ले आओ, बगल बिछा लो, लेट जाओ, जो तुम्हें करना है करो, पर हमें पढ़ाने दो क्योंकि मेरा पैसा बन रहा है, तो मेरे पैसे पे तुम प्रहार मत करो। भाई साहब ये थोड़ा, ये जो क्रोध पर नियंत्रण है, है कि चद्दर भी बिछा लो, ये थोड़ा और बता दीजिए, हमारे भी कुछ काम आ जाए। नहीं, क्रोध पे नियंत्रण नहीं करना है, क्रोध नियंत्रण करने की चीज ही नहीं है, वो देखने की चीज है। जैसा बच्चा है छोटा सा, अब उसने गंदे में हाथ डाल दिया, तो आपको पता है कि इसको पता नहीं है कि ये गंदा है। वही काम अगर 15 साल का बच्चा करेगा तो आपको क्रोध आएगा, लेकिन वही काम अगर 1 साल का बच्चा कर रहा है तो आपको क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इसको ये नहीं पता है कि ये मैला है, ये गंदा है। ऐसे ही जब आप एक स्तर पर होते हो जो आपको लगता है कि यार इसको पता नहीं, आपका दोस्त है, आप उसको 1000 करोड़ रुपये देना चाहते हो, आपका 50 करोड़ रुपये लेके चला गया,
तो 950 करोड़ तो आपका बचा, तो वहां आपको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध एक स्थिति है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो एक स्थिति है। वो जितनी ऊंचाई पे आदमी बैठा होगा मेंटल स्टेटस पे, उतना कम क्रोधी होगा। जैसे गांधी जी हैं, उनको नहीं आता, कृष्ण को नहीं आता क्रोध। ऐसा नहीं कि नहीं है क्रोध, है, आता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन खत्म आदमी है। जो आदमी एक औरत को भरी सभा में नंगा कर रहा है वो मरा हुआ दिमाग है। तुम्हारी लड़ाई भीम से है, तुम भीम से लड़ो, और वो भी तुम्हारे घर की स्त्री है। पहली बात तो स्त्री है, और दूसरी बात तुम्हारे घर की है। आप उसको खाना बनाने में लगा देते, आप उसको कपड़ा धोने में लगा देते, आप उसे दासी बना देते, वही उसके लिए ह्यूमिलिएशन था। आप उसको भरे दरबार में नंगा कर रहे हो। तो कृष्ण को पता था कि यह मरा हुआ दिमाग है, इसको मारने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए जब वो उसके साथ धोखेबाजी भी करते तो उन्हें दुख नहीं होता। लास्ट में जब वो नेकेड जा रहा है अपनी मां से मिलने के लिए, आ जाते हैं बीच में कि कुछ तो पहन लो, क्योंकि पता है ये मरा हुआ दिमाग है। तो मरे हुए दिमाग को क्रोध आएगा। वो बार बार पे, अगर आप महाभारत सीरियल देखो, उसको बार बार क्रोध आता है, मामा वो ताव में आ जाएगा हर बात पे, मरा हुआ दिमाग है। तो इसीलिए ध्यान पर मैं बार बार जोर देता हूं कि व्यक्ति को अगर अपने जीवन को महान बनाना है, या महान या कुछ भी बनाना है, तो उसे ध्यान करना चाहिए। और दर्शन में अगर दिलचस्पी पैदा करनी है, दर्शन में दिलचस्पी पैदा करनी है तो हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी की किताब आती है भारतीय दर्शन, इलाहाबाद में मिलती है, और वो इतनी सरलतम भाषा में किताब लिखी है, क्योंकि किताब का पहला अट्रैक्शन होता है उसकी भाषा। जैसे बड़ी सारी पॉलिटी की किताबें हैं, तो अब डीडी बसु सर की किताब बहुत प्यारी किताब है, बहुत श्रेष्ठतम किताबों में से एक है, लेकिन जब लड़का, नॉन ह्यूमैनिटीज का लड़का पहली बार उसे उठाता है, तो उसको लगता है कि यार अब कूद ही जाओ 4-5 मंजिल के बिल्डिंग से, ये क्या पकड़ा दिया। वहीं पे जैसे NBT पब्लिकेशन की आती है हमारा संविधान, उसकी भाषा बड़ी लुसिड है। तो जब भी किसी को पढ़ाने का शौक डेवलप कराना हो, तो उसको वो किताब दीजिए जिसकी भाषा बहुत सरल हो। तो वो किताब पढ़े, हर प्रसाद सिन्हा जी की किताब पढ़े। पढ़ने के बाद अगर आदमी फिर राधा कृष्णन की किताब पढ़े, द विंग्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो उसे एक तो रोचकता पैदा हो जाएगी और फिर गहराई पैदा हो जाएगी। सरलता से, सरलता, डेकार्ट से ही कहता है, डेकार्ट पश्चिम का फिलोसफर हुआ, उसका यही कहना है कि जब भी व्यक्ति को किसी चीज में उपलब्धि हासिल करनी हो तो सरलतम से कठिनतम की तरफ बढ़ना चाहिए। आप जब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं सरल और रोचक बनाने के लिए, तो कई बार उनमें से कुछ क्लिप वायरल होती हैं और फिर आप पर इल्ज़ाम भी लगते हैं, तो मुझे लगा कि आज आप साक्षात हैं तो ज़रा पूछ लिया जाए कि उनका संदर्भ क्या है। जैसे श्री कृष्ण को लेकर आपके विचारों पर कई लोगों को बहुत आपत्ति होती है, क्या है प्रकरण गुरु जी? प्रकरण ये है कि मैं अमेरिकन क्रांति जब पढ़ाता हूँ, तो अमेरिकन क्रांति में एक रीजन करके हेडिंग है, उस हेडिंग में एक पॉइंट आता है डायनेमिज्म, कि जो भी व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग कर लेगा, जैसे हमारे यहां से यूपी बिहार से लोग कानपुर जाते हैं, बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। आपके यहां कई सारे एग्जाम्पल होंगे, मेरे यहां बड़े सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग गांव से भाग गए मुंबई और वहां उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उसकी वजह यह है कि जब आप अपना समाज छोड़ देते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, तो आपको कोई बाधा नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं होता। आप मुंबई चले गए, आपने दादर में झाड़ू भी लगा दिया, और अगर आप न्यूयॉर्क चले गए तो वहां तो और भी कोई नहीं जानता आपको। तो वो जो सामाजिक ऑब्स्टेकल होता है वो व्यक्ति के जीवन में खत्म हो जाता है। जैसे जो लोग अमेरिका आके बसे, जिसको हम न्यू वर्ल्ड कहते थे, यूरोप से, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं थी, बैकग्राउंड का बैगेज नहीं है, बैकग्राउंड का बैगेज नहीं। जो आदमी 18 सेंचुरी के यूरोप में रह रहा है वो सामंतवादी यूरोप में रह रहा है, लेकिन जो आदमी 18 सेंचुरी के अमेरिकन कॉलोनीज में रह रहा है वो एक लिबरल समाज में रह रहा है। वहां कोई चर्च नहीं है, वहां कोई पोप नहीं है, वहां कोई सामंतवाद नहीं है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। तो मैंने ये बताया कि जो भी आदमी समाज से कटा हुआ है, मतलब जो आदमी आइसोलेशन का मजा लेना सीख जाता है, कृष्ण, कोई दोस्त नहीं उनका, उनके अपने रिश्तेदार उनके दुश्मन है, शिशुपाल गाली दे रहा बुआ का लड़का, मामा जी बार बार पूछते हैं कि तुम्हारा IAS में नहीं हुआ, तुम तो 4 अटेम्प्ट दे दिए,
ऐसे ही शायद उन्होंने मारा होगा, और तो कोई मुद्दा नहीं रहा होगा, क्योंकि रिश्तेदार परेशान बहुत करते हैं। तो उस डायनेमिज्म को मैं समझा रहा था कि बलराम और कृष्ण में फर्क यह है कि कृष्ण का कोई दोस्त नहीं है, महान लोगों के नहीं होते। उस पैरामीटर पे कोई आपके साथ बैठेगा तभी तो दोस्त होगा। जो 200 डिग्री सेल्सियस के पानी में जो भी डाला जाएगा वो तो उबल के खाक हो जाएगा। तो जिसकी जितनी टेम्परेचर होती है उसके साथ उतने कम लोग रहते हैं। तो मजदूर है, उसका टेम्परेचर ही नहीं है, इसीलिए तो वो किसी ऑफिस में एंटर करते हुए बाहर खड़ा हो जाता है। अब इस ऑफिस में अगर प्रधानमंत्री जी को आना है, सीधे अंदर आना शुरू कर दिया, कोई रोकेगा ही नहीं। पर मजदूर को अगर आना है, उसका टेम्परेचर कम है। तो मैं वो टेम्परेचर समझा रहा था। तो मैंने कहा देखो, कृष्ण के पास ताकत है, पहाड़ उठा लिया उंगली पे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। तो जो यादव लोग नाराज हो रहे थे कि भाई आप हमारी बीवी के साथ नाच रहे हैं, उन्होंने कहा भाई तू बीवी के साथ नाच रहा है तो साली के साथ भी नाच। तो मैं उनकी पावर की चर्चा, आइसोलेशन की चर्चा कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उसको तुरंत परसेप्शन बदलवा दिया, कृष्ण को गाली दे रहा है। मैं यथार्थ गीता लेके घूमता हूँ, अड़गानंद जी महाराज ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया और मैं कृष्ण को क्यों गाली दूंगा। तो वो जो मेरे चाहने वाले लोग हैं वही ये सब काम करते हैं, पर वो अनजाने में मेरा बड़ा भला करते हैं। कैसे? और नाम पैदा कराते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा कराते। जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो भी देखने लगते हैं कि देखे कौन है ये बदतमीज आदमी। फिर जब वो देखते हैं और फिर वो मेरे राम पे वक्तव्य को सुनते हैं और गीता पे सुनते हैं, महाभारत पे सुनते हैं, पढ़ने के अंदर, तो फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं, मिलते हैं मुझसे आके। यथार्थ गीता का बार बार जिक्र आ रहा है, इसके बारे में बताएं। ये किताब अगर आदमी ईमानदारी से पढ़ ले तो ये भगवान बनाने का फॉर्मूला बताती है। ओके, ये इतनी बड़ी किताब है, इसमें मन की चर्चा है, आत्मा की, चैतन्य की चर्चा है, और चर्चा पात्रों के रूप में है। हिंदुइज्म में और इस्लाम में यही सबसे बड़ा फर्क है। हिंदुइज्म ने क्या किया कि अपनी फिलॉसफी को पात्र दे दिए, पात्र कैरेक्टर्स। जैसे ध्यान सीखने के लिए हनुमान जी को कैरेक्टर बना दिया कि जो भी राम पे टिका हुआ है, जिसके जीवन में सिर्फ राम है वो भगवान बन जाएगा। राम मतलब चेतना। इस्लाम ने सारे कैरेक्टर्स को हटा दिया, कहा नहीं आपको कैरेक्टर्स, क्योंकि लोगों ने क्या किया, कैरेक्टर पकड़ने शुरू कर दिए। तो इस किताब ने क्या किया है कि सारे कैरेक्टर्स को, कि द्रोणाचार्य गुरु हैं वो भी द्वंद हैं, और द्वंद आपके जीवन में सबसे बड़ा बाधक है। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, सर हिस्ट्री ऑप्शन रख ले, मैं कहता हूं रख लो, सर बहुत बड़ा है सर। तो ज्योग्राफी रख लो, सर गुड्डू भैया दे रहे थे, 4 अटेम्प्ट उनका नहीं हुआ। अच्छा तो सोशियोलॉजी रख लो, सर उसमें मजा नहीं आता। अब नाच देखने गए हो कि मजा ले रहे हो, पढ़ने आए हो, तैयारी करना है। अच्छा तो काम करो तुम एंथ्रोपोलॉजी रख लो, सर उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत कठिन है। द्वंद के शिकार है। तो उन चीजों को इसमें पात्र के रूप में समझाया गया है कि कृष्ण का मतलब क्या है, द्रोणाचार्य का मतलब क्या है, भीम का मतलब क्या है। तो वो उससे एक दिमाग कनेक्ट करता है और उसको बहुत आसानी होती है अध्यात्म के रास्ते पे चलने की, ध्यान के रास्ते पे चलने की। आपके कई आलोचक कहते हैं कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तब तो अवध ओझा सर खूब उदाहरण देते हैं, व्याख्याएं करते हैं, और जैसे ही औरंगजेब से इल्तुतमिश का जिक्र आता है या इस्लाम का जिक्र आता है तो उनके अधरों से फूल झड़ते हैं। ये वाक्य लिखे गए कई आपके वीडियोस के कमेंट्स में। जाकिर नायक के भी किसी वीडियो का बहुत जिक्र हुआ है, क्या है प्रसंग सर? राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म के सुधार की बात की, ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू धर्म के सुधार की बात की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म। हम अपने घर के जिम्मेदार हैं, अपने घर के। तो जब मैं अपने धर्म की कुरीतियों पर की बात करता हूँ, कुरीतियों की, तो मेरा उद्देश्य होता है कि हमारे लोग उन बातों को समझें, उन बातों को ओवरकम करें और उससे बाहर निकलें, जिससे कि इस धर्म के मानने वाले महान बन सकें, उनका नाम हो, वो आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा हमें कौन टॉर्चर करता है जीवन में? हमारे माँ बाप। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे दुश्मन हैं, वही तो हमें महान बनाना चाहते हैं। जो भी कड़वा है वो फ़ायदेमंद है। लेकिन जब मैं इस्लाम के बारे में बोलता हूँ तो इस्लाम धर्म पर मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ईसाइयत पे मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है।
और कोई नहीं कह सकता। मैंने हिंदू धर्म पर कभी कुछ नहीं कहा, मेरे इतने सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, मैंने बताया कि राम का मतलब क्या है और राम कौन है। और तो ये मेरे आलोचक क्या करते हैं कि उन चीज़ों को मैनिपुलेट करके एक वर्ग मेरे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि वो दिखा सकें कि देखो भैया ये आदमी इसको पैसा आता है दुबई से। कहाँ, दुबई से? हाँ, कहते वो फैजल जी के साथ काम करते हैं तो। अच्छा, चूंकि आप एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो पैसा दुबई से ही आता होगा। हाँ, तो कहते दुबई से पैसा आता। फिर जब मैं उनसे कहता हूँ कि यार इतना चिढ़ते हो मुसलमानों से, तो बैलगाड़ी पे चलो, पेट्रोल भी दुबई से आता है। भाई आप किसी से नफरत क्यों करते हैं? आप किसी से सीखिए, उससे नफरत मत करिए। तो मैं इस्लाम पे चूंकि कोई अथॉरिटी नहीं हूं, इसलिए मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता। औरंगजेब के खिलाफ मैं क्यों बोलूं? क्योंकि मैं इतिहास का टीचर हूं, मुझे औरंगजेब को एक कैरेक्टर के रूप में पेश करना होता है। अब हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि वो दो वर्ग के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग के लिए, एक सामान्य वर्ग के लिए। अब मेरा जो कार बनाता है रहीम, वो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसको औरंगजेब के बारे में सब पता है। मैं उसको पूछता हूँ कि तुझे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता? अरे नहीं भैया। अकबर के बारे में? अकबर आरएसएस का आदमी था। अरे मैंने कहा पागल, आरएसएस? जरा ये समझाइए। अकबर आरएसएस का आदमी था जी। मैंने उससे कहा यार तू कैसी बातें कर रहा है, आरएसएस भैया अभी बनी 1925, पुरानी संस्था है, पुरानी। बीरबल आरएसएस का सदस्य। मैंने कहा अब वो कभी स्कूल, लेकिन वो जब औरंगजेब की बात आती है तब वो एकदम कहता है भैया 2 बजे रात में उठ के नमाज पढ़ता था। तो मैं तारीफ कर देता हूँ, 2 बजे? 3:30? नहीं नहीं भैया 2 बजे। मैं कहता हूँ 1:30 बजे? नहीं नहीं भैया 2 बजे उठता। तो 15,000 का बिल आया तो कहता भैया आप भैया बहुत अच्छे आदमी हो, आप ऐसा करो आप 11 जाते। लेकिन जब वो बात मुझसे कोई बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान कहता है कि औरंगजेब ऐसा औरंगजेब ऐसा, तो मैं उससे भी कहता हूँ कि बहुत महान था औरंगजेब, आसमान में ऐसे उंगली डाल के छेद कर दिया था। नहीं नहीं भाई साहब किया था, बाद में आरएसएस वालों ने भरा, 1925 के बाद हुआ है। तो क्योंकि दोनों वर्ग को सेटिस्फाई करना होता। ये सब तो एक शिक्षक को भारत जैसे देश में जो डाइवर्सिटी का देश है उसे सामना करना ही पड़ेगा। वो तो कहाँ उससे बच सकता है, बच ही नहीं सकता। मैं चूंकि आप जब आप आ रहे थे उसके पहले हमने अपनी टीम को भी कहा कि इतिहास से जुड़ी जितनी भी शंकाएं हैं मास्टर साहब से आज पूछ लीजिएगा, वो रुचिकर ढंग से बता देंगे। तो उस पर तो हम एक एक करके आएंगे औरंगजेब समेत सम प्रसंगों पे। ये एक ओसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई करने का भी आप पर इल्ज़ाम लगता है, तो मैं चाह रहा था कि ये सारे जो इल्ज़ाम है फॉर वंस एंड ऑल सेटल हो जाए अब तक के। 1979 में USSR ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अमेरिका को बड़ा दर्द हुआ। अमेरिका सीधे अफगानिस्तान में एंटर नहीं करना चाहता था क्योंकि 1970s में वो वियतनाम से बहुत बुरी तरह हार चुका था, अब वो दोबारा बेइज्जती नहीं कराना चाहता था। उसने आईएस का 4 प्री दिया, अमेरिका का नहीं हुआ तो उसने कहा आप कोई प्री नहीं देना, अब भाई साहब एग्जाम ही नहीं देना। अब उसकी दिक्कत यह थी कि अगर USSR अफगानिस्तान में बैठेगा तो सेंट्रल एशिया की ऑयल वेल्स पर उसका कब्जा रहेगा। 1979 में 80s के आसपास आप भारत में देखोगे पंजाब और कश्मीर में टेररिज्म की शुरुआत होती, तो अमेरिका ने क्या किया 1980s में, शादी की और उसकी दुल्हन बनी, दूल्हा बना CIA और दुल्हन बनी ISI और काजी बना RSI, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस। काजी साहब ने शादी कराई तो रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस ने कहा कि अब ये दूल्हा दुल्हन और काजी, दूल्हे ने कहा कि भैया हम आम से नॉमिनेशन प्रोवाइड करेंगे। दुल्हन ने कहा हमारे यहां बहुत बच्चे पाकिस्तान में, हम अपने आदमी सप्लाई कर देंगे। काजी ने कहा हमारे पास पैसा बहुत है, पेट्रो डॉलर, हमसे पैसा ले लो। तो अमेरिका क्या क्या मोटिव था इस संगठन के पीछे, कि अमेरिका को USSR को अफगानिस्तान से बाहर निकालना था। सऊदीज वो तो अमेरिका की कोई बात काट ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान का इंटेंशन यह था कि हथियार देगा अमेरिका, पैसा देगा सऊदी, तो हम 60 रुपए खर्चा करेंगे अफगानिस्तान में और 40 रुपए खर्चा करेंगे इंडिया में, कश्मीर और पंजाब। तो इन दूल्हा दुल्हन से एक बच्चा पैदा हुआ, मुजाहिदीन। इस बच्चे ने
दो फ्रंट पे लड़ाई शुरू की, एक अफगानिस्तान में शुरू की, एक भारत में शुरू की। तो जब हमने इंटरनेशनल फोरम पे चिल्लाना शुरू किया, कहना शुरू किया कि भैया हम आतंकवाद से ग्रसित हैं, तो वो जॉर्ज बुश सीनियर उस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के, नो दिस इज नॉट टेररिज्म, दिस इज द वॉइस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमने कहा अच्छा ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवाज है, बोले ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवाज, नॉट टेररिज्म। जब ट्विन टावर पे हमला हुआ तब जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा कि द वर्ल्ड इज फेसिंग द मेनेस ऑफ टेररिज्म। जो काम हम नहीं कर पाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं कर पाए, वो हमारे लिए लादेन ने किया, हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए। कभी कभी दुश्मन भी आपके काम आता है, तो जहां काम आया है आप का सबसे खतरनाक दुश्मन, आप डेंगू से परेशान है, आपको प्लेटलेट चाहिए, कहीं नहीं मिल रही है, और आपका जानी दुश्मन आके कहता है कि भाई साहब हम दे रहे हैं, तो आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। लेकिन जिस देश में काका काका ना जानने की वजह से, बताइए रतिशंकर शुक्ला जी मिर्जापुर में कहते नहीं उससे कि छोड़ देंगे तुझको, वो कमेंट है समाज पे, कितने पढ़े लिखे हो तुम्हें काका काका नहीं आता। वो एक मीडिया क्या करती है, मूवी क्या करती है, वो समाज की विसंगतियों को उठाकर और अच्छाइयों को, दोनों को उठाकर सामने पेश करती। तो जब उससे वो कहता है रतिशंकर शुक्ला की काका काका सुनाओ, तो वो ABCD सुनाने लगता है। वहां भी वो कमेंट, एक सीन कमेंट के वो कहता है ए प्रिंस चार्ल्स कि हिंदी वर्ल्ड में बैठे हो अंग्रेजी ना बोलो। तो वो जो कम्युनिटी है जो काका काका नहीं जानती, उसको क्या पता कि यार ऐसा ही कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उसको तो पता चल गया कि ओझा जी ने तो भाई ओसामा बिन लादेन का लेफ्ट विंग का आदमी है, पाकिस्तानी इसको पैसा फंड करते हैं, इसको पाकिस्तान भेज दो। हमको पाकिस्तान भेज दोगे तो तुम्हारे बच्चे फिर कैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि अवध ओझा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनके पिताजी भी दरअसल यही चाहते थे कि क्या करोगे IAS बन के, तुमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना है। और उसी तैयारी के सिलसिले में ये मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जिनके घर में नरेंद्र मोदी जी जैसा लड़का पैदा हो जाए, एज अ प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री कल उनकी एनालिसिस करेगी। एक सामान्य घर से पैदा हुआ व्यक्ति भारत के उच्चतम पद पे बैठा हुआ है, जहां पे डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, जिलों के स्तर पर MP का बेटा विधायक, मिनिस्टर का बेटा विधायक, कहने की जरूरत नहीं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। जिस देश में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी सर्वाइव करती है, उस देश में उस व्यक्ति ने अपने आप को सर्वोच्चतम पद पर पहुंचाया, और एक टर्म नहीं सेकेंड। और उनके जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि तीसरे में भी आ रहे हैं, अब की बार 400 के पार। मैं नहीं कह रहा हूं ये मैं भाजपा से देने वालों को ये मिल गया कि अवध ओझा ने बता दिया 2024 में कौन जीतेगा लोकसभा का चुनाव। मैं भाजपा या किसी भी पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, मैं स्कूल खोलने जा रहा हूं अपना 2023 में इलाहाबाद में, क्योंकि मुझे टीचिंग ने सम्मान दिया और इज्जत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, तो मैं उसी विधा को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो राजनीति करेंगे। और सौजन्य से अवध भैया, अब जैसा कहें अवध भैया भी हो सकता है, पर वो सारे लोग करेंगे। मैं ऐसे ही लोगों की टीम ही तैयार कर रहा हूँ जो राजनीति में भी आगे बढ़े। पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, IPS हैं, IAS हैं, और उनको मैं मेंटली ब्रेन वॉश भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस देश में, अब ये देश तभी बचेगा जब फिर से एक बार ब्यूरोक्रेसी संसद में बैठेगी। सर ये बड़ी बात है, थोड़ा विस्तार से बता। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल रहा ब्यूरोक्रेसी। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं। किसी ने हिंदू को जाके बता दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, अच्छा 2050 के बाद मुसलमान कब्जा कर लेगा। वो बेचारा गांव का आदमी विनोद, सुन रहा हूँ विनोद, मुल्ला लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, 2050 के बाद तुम्हारे बच्चे इनके यहाँ गुलामी करेंगे। क्या होता है जनसंख्या से, इसराइल डॉट जैसा देश वेस्ट एशिया में,
किसी की औकात नहीं किसी अरब कंट्री की उसके सामने आंख उठा के देख ले। अभी रिसेंटली ईरान को धमकी दिया, ईरान की इसराइल की नकल करो। अपने सबसे ज्यादा दुनिया में नोबेल प्राइज यहूदियों को मिला है, उनकी औरतें पूरी दुनिया में टहलती हैं, सीरिया में रहती हैं, बाली में, अफ्रीका के सारी कंट्रीज में घूमती हैं एज अ जर्नलिस्ट। किसी की मजाल है किसी यहूदी स्त्री पे हाथ रख दे और रख दे तो मार्स में भी अगर उनकी कोई जनरेशन होगी तो वहां ढूंढ के मारेंगे वो। इतनी पावरफुल कम्युनिटी है, माइनॉरिटी, अपने बल पे एक देश बना लिया जबरदस्ती से। जैसे हम लोग मकान वकान कब्जा करते हैं यूपी में, हम लोग मतलब कि किसी का मकान देखा गया बोर्ड लगा दिया मानव समाज उत्थान समिति। उन लोगों ने अरब वर्ल्ड में घुस के एक देश बना लिया जहां कोई यहूदी नहीं रहता था। तो उनको नकल की जानी चाहिए, बाकी ये कि मुसलमान ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और स्कूल कैसा होगा जो आप खोलेंगे इलाहाबाद में? स्कूल बोर्डिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं इंडिया में जो बड़े सारे पैसे लेते हैं। एक एक साल का एक बच्चे का 70 लाख रुपए लेते हैं, 80 लाख रुपए लेते हैं। एक साल का 80 लाख? 80 लाख लेते हैं। वो कहते हैं मैं हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। अरे तो हम कौन किर्गिस्तान के लोग हैं जो हॉर्स राइडिंग पे जाएंगे खाना इकट्ठा करने? हॉर्स राइडिंग सिखाते हो, अच्छा सिखाते हो, अच्छी बात है। वो अपने इसी फीचर्स को पेश करते हैं, जब आप अपने बच्चों को एडमिशन कराने ले जाओ तो यही सब बताते हैं, सर हमारे यहाँ स्विमिंग सिखाई जाती, वो हम गंगा में सीख लेंगे। और तुम्हारा स्विमिंग पूल का लड़का, स्विमिंग पूल के लड़का आदमी को कभी भी नदियों में नहीं कूदनी चाहिए क्योंकि नदियों में करंट होता है। ये जितने लोग सोसाइटीज में रहते हैं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल मतलब टब, खड़े हो गए थोड़ा इधर उधर कूद ले, इनको फील हो जाता है कि भैया हम स्विमिंग करते। हमारे दोस्त हैं इलाहाबाद गए, उनसे मैंने मना किया, मैंने कहा देख भैया तुम टब में स्विमिंग कर, तो बोले टब नहीं हमारा स्विमिंग पूल है, ओलंपिक साइज है। हाँ, तो हमने कहा कि मत कूदना, करंट होता है नीचे, उसमें सिर्फ मल्लाह के लड़के कूदते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। कहे तुम कौन से मल्लाह के लड़के हो? मैंने कहा मैं मल्लाह का नहीं हूँ, जो लोग इधर उधर नदी किनारे रहते हैं उनको कहा जाता है, जो मछली उछली मारते हैं उनको मल्लाह कहा जाता है। हम भी बहुत मारे तो हमको कूदने दो, हम कूदे वो भी कूद गए, वो कूद गए तो फिर टूट गई सांस। वो तो मुझे पता चल गया कि इनकी सांस टूट गई है, नहीं तो उस दिन आराहत हो जाते वो। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन का एक ऐसा हब हो जहाँ, मतलब मेरा जो एजेंडा है कि जिंदा दिमागों को बनाया जाए, एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और पढ़ाया जाए, और स्कूल दैट विल बी माय कंट्रीब्यूशन टू माय नेशन एंड माय पीपल। पर कभी कोई कहे कि अवध ओझा जी आपके विचार इतने क्रांतिकारी हैं, एक स्कूल तक उनको महदूद क्यों रखा जाए? सत्ता में आइए, शासन में आइए, सब स्कूलों में लागू करिए। सत्ता में चंद्रगुप्त को बिठाएंगे? जो आदमी सोचता है उसे सत्ता नहीं संभालनी चाहिए, उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, फाइलें ज़्यादा हो जाएंगी, उसको दस्तखत करना पड़ेगा, वो एक सीमित जगह पे बैठ जाएगा। मैं गांधी से प्रभावित हूँ कि साबरमती आश्रम होना चाहिए जहाँ जमनालाल बजाज भी आगे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, नेहरू कोने में खड़े हैं कि चाचा अच्छा अच्छा तुम भी आए हो, बताएंगे तुमको प्रधानमंत्री, ठीक है इधर आओ पीछे आओ, जी जी। जहाँ पे कालनबेक जैसा पत्रकार आता है कि आप ढोंगी आदमी है, कालनबेक जर्मन पत्रकार था, तो गांधी जी के पास आया कि आप ढोंगी आदमी है, आप ढोंग करते हैं आप, और मैं आपके साथ एक हफ्ते रहूंगा, मैं आपको एक्सपोज करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है, तुम 2 हफ्ते रहो। तो दूसरे दिन सुबह जब ब्रेकफास्ट पे बैठे तो गांधी जी चटनी रोटी खाते थे, और चटनी धनिया की भी हरी रंग की दिखती है और नीम की पत्ती की भी, तो उसके भी थाली में चटनी। गांधी ने कहा आश्रम में मेरी तरह रहना पड़ेगा, उसने कहा हाँ ठीक है आप ही की तरह रहेंगे। तो चटनी रोटी आई तो गांधी जी ने खाना शुरू किया एज यूजुअल, उनको आदत हो गई। तो उसने पहला बाइट खाया तो उसे लगा कि अब उल्टी हो जाएगी, पर उसी ने कहा था नियम फॉलो करेंगे, तो उसे लगा कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे ज़्यादा दर्द होगा, तो पूरी चट्टी एक बार उठा के पानी पी गया। तो गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि देखो मैं तुमसे कहता था ना इसको चटनी बहुत पसंद आएगी और मंगाओ तो और मंगाया कि हाँ डाको इसके ताली में। तो मैं उनसे प्रभावित हूँ, गांधी जी से, जो मतलब सिंगल हैंडेडली ब्रिटिश क्राउन को चुनौती देते हैं और पहले आदमी है जो प्रोटोकॉल के विपरीत अपने ही स्टाइल में बर्गिंगम पैलेस में जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई टाई नहीं लगाएंगे, कोई सूट नहीं पहनेंगे, किसी गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे। तो वो एक अलग
आदमी का स्ट्रेचर होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी गांधी जी बनना तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ छोटा मोटा। आप गांधी का जिक्र कर रहे थे, इस देश में एक वर्ग है जिसके बीच ये प्रचारित किया जाता है कि ये हमें सबसे बड़ा झूठ बताया गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, आज़ादी हमें गांधी की वजह से नहीं मिली, सशस्त्र विद्रोह क्रांतिकारियों की वजह से मिली, आज़ाद हिंद फौज की वजह से मिली। अब इस व्याख्या में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती है, तो कई प्रॉब्लम्स, वो ये है कि हम हमेशा किसी एक को नायक बनाने के लिए दूसरे को खलनायक बनाने पर उतारू रहते हैं। तो इस देश में गांधी को लेकर और नेहरू को लेकर और नेहरू बनाम पटेल, इसको लेकर बहुत विमर्श चलते हैं। अवध ओझा सर, इस पर क्या सोचते हैं? व्यक्तित्व तो पार्टियों के सिंबल है। वैसे तो हमारे मोदी जी भी चरखा चलाते हैं गांधी जी के नाम पे, कि भाई वो भी गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और जिस दिन अब ये कंट्री दोबारा इकोनॉमिक पावर बनेगी तो गांधी जी की वजह से ही बनेगी, कॉटन चेन रिएक्शन। जब तक वो रिएक्शन दोबारा जिंदा नहीं होगा, ये कंट्री इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाएगी। तो हर आदमी, चूंकि ज़्यादातर ज्ञान आज के समय में लोग व्हाट्सएप से ले रहे हैं, फेसबुक से ले रहे हैं, किताब नहीं पढ़ते, ये वजह है लोगों के मन में ये भाव पैदा होने की, क्योंकि उनका जो नरेटिव है वो किसी का दिया हुआ है, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। और किताबें भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की होती हैं और लोकल पब्लिकेशन की होती हैं। तो हमें पहली बात तो ये ध्यान रखना होता है कि भैया किताब कौन किस पब्लिकेशन की, किसने लिखा है। गांधी जी 1920 में जब इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने की सोचते हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की कमेटी रिपोर्ट भेजती है कि कुछ नहीं कर पाएंगे गांधी, 80% पीपल आर इलिटरेट, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, कोई नहीं आएगा आंदोलन में। प्राइवी काउंसिल वो रिपोर्ट भेजती है कि यार कोई नहीं आएगा, 80% लोग इलिटरेट गरीब है। वायसराय ने भी कहा ठीक है, करने दो गांधी को जो कर रहे हैं। और जब सड़क पर हजारों लोग घूमने लगे तो पार्लियामेंट ने मैसेज भेजा वायसराय को कि तुम तो कह रहे थे कोई नहीं आएगा, ये कहां से लोग आ गए, ये 80% लोग कहां से बाहर निकल आए, ये भजन गा रहे हैं सड़कों पे घूम के, और ये बंद करो मूवमेंट, मुझे अभी मूवमेंट बंद चाहिए। वायसराय ने कहा साहब मूवमेंट तो बंद नहीं करा सकते, कहा कुछ भी करो, मारो पीटो। बोले मार तो सकते नहीं साहब, ये रोड पर घूम रहे भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। अब कोई आपके दरवाजे के सामने खड़े होकर आपके लिए दुआ मांग रहा, आप उसको मारेंगे? अंग्रेजों को साजिश करनी पड़ी चौरी चौरा की, दो पुलिस स्टेशन जलाया गया, जल गया पुलिस स्टेशन, 22 पुलिस वाले मर गए, सरकार पर हमला हो गया। अब सरकार रिटेलिएट करेगी, अब मारेगी आंदोलनकारियों को। लेकिन इससे पहले कि सरकार आंदोलनकारियों को मारे, गांधी जी ने कहा कि एंड ऑफ द मूवमेंट, आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, आंदोलन खत्म। सरकार ने कहा कि बाबूजी एक हफ्ते के लिए फेथ रख लो, बोले है ही नहीं, कोई नहीं मार खाया इस देश में, एक आदमी नहीं मारा गया। गांधी जी को पकड़ के 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। ये देश के लोग दिलबाग गुटखा खा के घूमने वाले, इनको क्या पता कि गांधी का मतलब क्या होता है, और उस आदमी ने क्या फॉर्मूला लगाया एनसीएम में। फॉर्मूला जीवन में एक ही है, एक दुनिया में एक शब्द है, वो शब्द जिसको समझ में आ गया उसके जीवन की 90% परेशानियां खत्म हो गई, और उस शब्द का है इंटरेस्ट। इस दुनिया में मां बाप को छोड़कर आपके साथ जो भी दूसरा आदमी आता है वो इंटरेस्ट की वजह से आता है, उसके बिना आता ही नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे उस वक्त 1920 में, जैसे पंजाब में अकाली आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने एक फार्मूला लगाया, लोकल इश्यूज नेशनल प्लेटफॉर्म। तो पंजाबियों से कहा कि भैया तुम लड़ो, तुम अकाली के मुद्दे पे लड़ो, लेकिन प्लेटफॉर्म नेशनल होगा। सबका इंटरेस्ट जोड़ लिया। मुसलमान बैठा हुआ था किनारे कि गांधी जी हम क्या करें, कहे तुम्हारा खिलाफत आओ, तुम्हारे कैलिफ की बेइज्जती कर रहा है ब्रिटेन यार, गाली दे रहा है। मुसलमान आ गया। 1920 जब इस देश की लिटरेसी रेट 7% थी, तब उस आदमी ने एक हाहाकार खड़ा कर दिया सड़कों पे,
उस हाहाकार क्यों का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो उठाया हमारे क्रांतिकारियों ने। भगत सिंह गांधी जी से अलग थोड़ी हैं। देश में दो विंग होती है, एक पॉलिटिकल विंग, एक रेवोल्यूशनरी विंग। जब भी आंदोलन दो तरह के होते हैं, एक मास मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो जब मास मूवमेंट सप्रेस होता है तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऊपर आता है। तो जैसे ही आप देखोगे नॉन कोऑपरेशन खत्म होता है, एचआरए सामने आ जाती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो वो जो लोग हजारों सड़क पर आए गांधी जी की वजह से, वो जागृत हुए। अगर गांधी जी उनको जागृत नहीं करते, भगत सिंह क्या करते फिर? सिर्फ लाहौर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों से लेकर काम थोड़ी चलता। राजनीतिक जागरूकता पैदा की गांधी ने। गांधी ने युद्ध नहीं किया, संत युद्ध क्यों करेगा? संत जगाएगा। गांधी जगा रहे थे। उस जागे हुए आदमी को युद्ध कौन करा रहा था? भगत सिंह। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। यह है हिस्ट्री। और नेहरू के लेकर जो बातें होती हैं, नेहरू तो एक बहुत विद्वान आदमी है और डिप्लोमेटिक आदमी। राजनीति में इमोशन से काम नहीं चलता, नहीं तो सबके खाते में 15 लाख होते। अगर ऐसा ही होता, राजनीति इमोशन को यूज करना जानती है। आम आदमी के पास कहां दिमाग अगर होता तो आम आदमी शोषित ही क्यों होता? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब रो रहे लोग। नेहरू जो आदमी जेल से किताब लिखता है अपनी बेटी को, लेटर्स, उस लेटर्स में क्या लिखता है? हिस्ट्री। यहां जेल में बैठ कर रोते हैं लोग और उन लेटर को कंपाइल करके किताबें बनी, द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। राजनीति इमोशन से नहीं चलती। इमोशन हर जगह होता है पर वो चलती नहीं। राजनीति चलती है प्रबुद्धता से, और जिसके पास ज्यादा होगी वो आगे रहेगा। तो प्रबुद्धता सबके पास है, पटेल जी के पास भी है, नेहरू जी के पास भी है, सुभाष चंद्र बोस के जी के पास भी है, लेकिन पटेल जी के पास और सुभाष चंद्र बोस जी के पास प्रबुद्धता है, थोड़ा सा इमोशन भी है। नेहरू जी के पास वो थोड़ा सा इमोशन नहीं है, दिखाते हैं वो है नहीं, इसलिए वो थोड़ा एज ले जाते हैं। और ये जो तुलनाएं चलती रहती हैं नेहरू वर्सेस पटेल, ये तो पार्टियां कराती हैं। पटेल जी को तो पता भी नहीं होगा। ये तो जब अगर भाई कांग्रेस पार्टी है तो उसका अपने नायक है, बीजेपी पार्टी के अपने नायक है, समाजवादी पार्टी के अपने नायक है, बीएसपी के, सबके अपने अपने नायक है। तो वो उन नायकों को एलिवेट करती है। तो अब जब तक नेहरू जी डिफेम नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का जनाधार कैसे खत्म होगा? 1947 के भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। 400 करोड़ रूरल डेब्ट, मरता हुआ किसान हर गांव में, ब्रिटेन, यूएसएसआर, इन लोगों ने फंड देने से मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे। कहते हैं गेहूं भेजा, वो भी जो सुअर खाते थे PL-480 उसको भेजा। उस परिस्थिति में वो आदमी देश की गद्दी पे बैठ रहा है। और पहला फाइव ईयर प्लान चलाया एग्रीकल्चर को लेके। उसी वक्त वो गाना बना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना मतलब वीट और राइस, मोती मतलब कपास, हीरा मतलब गन्ना, क्योंकि तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती, उसके शीरे की कीमत होती। जिस देश में कोई पैसा कुछ ना हो, कुछ ना। एक गाना आया था 1960s में, आपने सुना होगा, कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपना कुछ है ही नहीं दिल छोड़ के। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम ब्रिटेन, फॉरेन रिजर्व फ्रॉम रशिया, अपना कुछ है ही नहीं दिल छोड़ के। उस देश का प्रधानमंत्री वो आदमी बन रहा है। हमेशा जो भी प्रधानमंत्री होता है उसके सामने चुनौतियां होती हैं, वो अलग तरह की होती है। जैसे आज मोदी जी के सामने अलग चुनौतियां। अब अगर ये उन चुनौतियों से इस देश को बाहर निकाल लाएंगे तो ये भी महान हो जाएंगे। नेहरू जी निकाल कर लाए। क्या चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी के सामने आपके हिसाब से? इकोनॉमी तो पूरी दुनिया की ध्वस्त हो रही है।
आज की डेट की तो सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमी है, वो भी सर्विस रूरल सेक्टर, जॉब एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं पूरी दुनिया। हमारी इकोनॉमी जो लिबरलाइजेशन था हमारा 1991 का, वो फोर्स लिबरलाइजेशन था जी। हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, रशिया हमारा दोस्त था जो हमें सारी चीजें सप्लाई करता था वो भी खत्म हो गया। दो घटनाएं एक साथ घटी, हमारा सबसे अच्छा दोस्त कोलैप्स कर गया यूएसएसआर, और हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया। हमारे प्रधानमंत्री को सोना मॉर्टगेज करना पड़ा ऑयल सप्लाई बनाए रखने के लिए कि हमारी फैक्ट्रियां चलती रहें। उस परिस्थिति में दुनिया के जो पूंजीवादी मुल्क थे उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन अपनी इकोनॉमी खोलो, ये जो इतना लोग पैदा कर लिए हो, एक तो अचीवमेंट है ही है तुम्हारी पॉपुलेशन, इनको हम पेप्सी पिलाएंगे, इनको हम बताएंगे ठंडा मतलब कोको कोला। तो देश को लिबरलाइजेशन करना पड़ा, लेकिन जो बेसिक रिफॉर्म्स इकोनॉमी में होती हैं, कहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारी कंट्री में, नाम मात्र का है। यूपी और बिहार कौन से प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं? तो वो फोर्स इंडस्ट्रियलाइज, वो जो फोर्स लिबरलाइजेशन हुआ, मामला वहीं से खराब हुआ। ठीक है, फोर्स हो गया, किसी तरह हमने अपने आप को बचाया, लेकिन फिर जो भी प्रधानमंत्री बने थे उन सबको इकोनॉमी की उस कंडीशन को समझना चाहिए था कि हमें अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को मजबूत करना है, प्राइमरी सेक्टर को इंप्रूव करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है कंट्री का। जैसे हम 1947 में पैदा हुए, ऐसे 1787 में अमेरिका भी तो पैदा हुआ, स्लम एरिया, 13 कॉलोनियां, हमारे पास दो ज्यादा थी, 15। 18 सेंचुरी में अमेरिका 13 कॉलोनियों का एक स्लम एरिया है, 19 सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर है, 20th सेंचुरी में वर्ल्ड पावर, और 21st सेंचुरी में सुपर पावर। तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि किसी तरह हम सत्ता में रहें, हम पावर में रहें, सबने, किसी एक आदमी को तो ब्लेम ही नहीं कर सकते। और अब चलते 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 वो एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अब जब दुनिया कोलैप्स कर रही है तो सारी कंपनी तो बाहर जाएंगी ना यहां से, कल यूएस कोलैप्स कर जाएगा, एडिडास चली जाएगी, एप्पल चला जाएगा, तो ये जो बाहर के स्टोरों को खोल खोल के आपने सबको एम्प्लॉयमेंट दिया था, वो जो सारे स्टोर बंद हो जाएंगे, ये सारे मॉल बंद हो जाएंगे, तो ये सारी ये बच्चे तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, और सबको आप एग्रीकल्चर में डंप नहीं कर सकते। तो आज प्रधानमंत्री जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, हाँ, कि अपनी जो बेसिक इंडस्ट्री है, मतलब हमारा जो बेसिक नेशनल इनकम का जो पोर्शन है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, उस पर वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। तो राम राजन जो एक टर्म यूज करते हैं कि मेक इन इंडिया से ज्यादा मेक फॉर इंडिया, जो घरेलू खपत है उसको। एक चीज आपने कुछ देर पहले कही थी कि जब ब्यूरोक्रेट्स वापस पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तब स्थिति सुधरेगी, उसकी वजह यह है कि नहीं, तब स्थिति सुधरने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो इकोनॉमी पॉलिटी ज्योग्राफी इनके अंतर संबंधों को समझते हैं। नेता अनपढ़ हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अकबर भी अनपढ़ है। पढ़ना एक सेकेंडरी आवश्यकता है मानव के जीवन में, जो प्राइमरी आवश्यकता है वो है उसका समझदार होना। मैंने कबीर का नाम लिया था, जिसका दिमाग जिंदा है वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, उस जिंदे दिमाग के साथ अगर वो पढ़ भी लेगा, जैसे बुद्ध इतने परिमार्जित इसीलिए हैं कि दिमाग जिंदा हुआ और राजशाही घर में थे, पढ़े लिखे भी थे, तो बहुत महानता की ऊंचाई पे पहुंच गए। कबीर उतनी नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक चीज मिसिंग है, एजुकेशन मिसिंग है, तो वो अनगढ़ रूप है उनका, वो एक देसीपन है, वो सारी चीजें जो एक रॉयल आदमी नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तो चीजें अगर उस डायरेक्शन में बढ़ें कि हम अपनी बेसिक चीजों पर ध्यान दें, तो आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता है। जी सवाल, हाँ आइए गौरबचो। सर आपके ऊपर एक मतलब आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो हनुमान जी का नाम लेते हैं, ओल्ड मॉन्क पीते हैं, फिर उसके बाद लड़ाई में उतरते हैं, तो इसको लेकर आपको आपकी काफी आलोचना हुई थी, तो इस पर आप कुछ बता दीजिए। दरअसल मैंने कहा ना कि रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान से युद्ध की बात चल रही थी कि पाकिस्तान हमसे हर बार युद्ध में क्यों हार जाता है, तो मैंने कहा हमारे पास एक एज ये है, वैदिक काल से सोम एक पेय होता था जो युद्ध में जाने से पहले लोग पीते थे, एनर्जी ड्रिंक टाइप का माना जाता था, जैसे आजकल बहुत सारे लोग कई सारे एनर्जी ड्रिंक को यूज करते हैं।
तो उस संदर्भ में मैंने कहा कि यार पाकिस्तानी अगर अफीम खा लें और युद्ध करने जाएं तो अफीम बॉडी को डीएक्टिवेट कर देती है, गन लेके बैठे हैं तो बैठे ही हुए। लेकिन हमारी तरफ क्या है कि आर्मी को, इसलिए जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले एक नाइट बनाई जाती है, मतलब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, खुशी होते हैं, बातचीत करते हैं। हालांकि ये जो नशा उन्हें दिया, ये जो शराब दी जाती है, वो दी जाती है अगर आपको गोली लग जाए, आप इंजर्ड हो जाएं, आप घायल हो जाएं, तो वो मेडिसिन के रूप में उनको दी जाती है। लेकिन फिर मैंने उनको एक तुलनात्मक ही बताया कि देखो इनके पास एक ऐसी चीज़ है जो इनको एक्टिवेट कर देती है, उनके पास एक ऐसी चीज़ है जो उनको डीएक्टिवेट कर देती है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस संदर्भ में मैं बात कर रहा था। बाकी मैंने भारतीय आर्मी के बारे में मैंने उस पर स्पेशली एक वीडियो बनाया कि इनविंसिबल आर्मी है दुनिया। इसराइल कहता है कि मुझे भारत की इन्फेंट्री मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूं। तो जब भी मैं बोलता हूं तो रेफरेंस जो है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में होता है। जी सर, एक सवाल मेरा और है। आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो हिस्ट्री को बड़ा मज़ेदार तरीके से नीचे लेवल पर भी पढ़ाना चाहिए, जो शुरुआती क्लासेस होते हैं। सर मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 10th 12th मेरा पूरा सरकारी स्कूल, हमारे यहाँ तो टीचर आते ही नहीं थे। तो ये एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है, मतलब यूपी सरकार के स्कूल से मैं पढ़ा हुआ था। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने बताया कि आप 2023 में अपना स्कूल चलाने वाले हैं, तो मतलब अब लेकिन अब सरकार के सरकारी जो स्कूल हैं उनको लेके क्या बोलेंगे, उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं? भारत सरकार को जापान से सीखना चाहिए कि शिक्षक का मतलब क्या होता है। इस देश में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला वर्ग है शिक्षक, सबसे ज़्यादा खतरा जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, इनकी तो हर जगह ड्यूटी लगती है। पल्स पोलियो अभियान में कौन जाएगा, तो स्कूल के टीचर जाएंगे। चुनाव कौन कराएगा, तो स्कूल के टीचर कराएंगे। मतगणना में कौन जाएगा, तो स्कूल के टीचर जाएंगे। और इज्जत के नाम पर कुछ भी नहीं है, इज्जत के नाम पे कुछ भी नहीं है, जबकि मानव मन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है सम्मान। खाना आप उसको कम दीजिए, आपके घर कोई आया और आप सबको मिलवा रहे हैं कि शेर खान, तो आपने उसको एक खाना तो खिला ही दिया ना मन वाला, भैया है आग बंद करके गोली मार दिया, 3 चिड़िया गिर गई। फिर आप उसे कम भी खिलाएंगे तो वो बाहर जाके ये नहीं कहेगा कि इन्होंने मुझे रोटी दाल खिला दिया था, रोटी चटनी खिला दिया था। तो टीचर वर्ग जो इस दुनिया भारत में जो क्रिएशन का काम कर रहा है, भारत सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसके सम्मान की व्यवस्था करनी चाहिए। कम से कम भारत के शिक्षकों को VIP का दर्जा तो दे ही देना चाहिए सरकारी स्कूल में जो है। जब उन्हें सम्मान मिलेगा तो वो रिटेलिएट करने की, मतलब वो उसको बदला देने की कोशिश करेंगे। जैसे इस प्राइमरी स्कूल का टीचर मंदिर में गया और उसको वहां की मास्टर साहब आए, भाई इनको पहले दर्शन कराओ, खुशी मिली। जब वो खुशी मिलेगी सरकार से, इस समाज से, इस देश से, तो वो उसको बदले में देने की कोशिश करेगा। ये काम होना चाहिए टीचरों के साथ सरकारी स्कूल। कम से कम गवर्नमेंट जो स्कूल है उन स्कूल के टीचरों को, स्कूल टीचरों को एक सम्मानजनक स्थान देना चाहिए। शिक्षा पर आप एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर हिजाब और भगवा पहनना है तो स्कूल छोड़ दो, मदरसा या मठों में जाकर पढ़ो। स्कूल का काम है डिसिप्लिन सिखाना। और स्कूल का, मैं अपने किसी भी, कोई भी स्टूडेंट मुझसे यह नहीं कह सकता कि मैंने उसका कभी धर्म पूछा हो, कभी जाति पूछी हो, कभी नहीं। और जब व्यक्ति जाति सूचक या धर्म सूचक किसी भी चीज को लेकर क्लास में बैठता है, तो कुछ लोग होते हैं जिनके मन में एक धर्म या जाति को लेकर एक भावना है इस देश में। मेरा मानना यह है कि जब एक क्लास सामने बैठी हो तो उसको यह कतई ना पता चले कि यह कौन है। ईरान की औरतें हिजाब के लिए लड़ रही हैं। हिजाब पहनना बुराई नहीं है, एकदम पहनो, लेकिन जब आप स्कूल में आ रहे हो, किसी से कुछ सीखने आ रहे हो, तो जिसके घर आप सीखने आ रहे हो, स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत बना ले अपनी, कोई भिखारी ये कहते कि हम मुगल खानदान से, भीख ही ना मांग पाए वो। एक तो आप स्कूल जा रहे हो सीखने के लिए, भीख मांगने के लिए, ऊपर से अपनी कंडीशन पे जाओगे। तो जब आप स्कूल जा रहे हो तो आप स्कूल के कंडीशन पे जाओ, और अगर आपको उस स्कूल का वो कंडीशन पसंद नहीं है तो आप उस स्कूल में जाओ जहां आपकी कंडीशन चलती है। सिंपल। हाँ हाँ, तो इधर इधर वेट 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 वेट, आप इधर हाथ ऊपर करिए, मैं इसीलिए खड़ा हूँ। ये पैरवी क्यों लगवा रही है उससे, हैं? हाँ पूछिए पल्लवी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो आपने बताया हिजाब को लेके, कि ये जो आपकी आपका थॉट प्रोसेस है, ये
टर्बन को लेके भी अप्लाई करता है कि जो सिक्स होते हैं वो टर्बन पहन के आ रहे हैं? सरदार भगत सिंह ने अपने बाल काट डाले, अपनी दाढ़ी काट डाली। पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है आरजू काजमी, उसका डिबेट है मौलाना रशीदी के साथ। उसने कहा मौलाना रशीदी से कि मौलाना साहब कहां लिखा है हमें भी बताओ। 5K इनके धर्म के हिस्से हैं, हिजाब और भगवा ना। तो अगर हिजाब धर्म का हिस्सा होता तो मुसलमान फ्रांस में अपना केस जीत जाते, भाई फ्रेंच गवर्नमेंट ने बुरके पे बैन लगा दिया, कोई बुरका नहीं पहनेगा। इन्होंने कहा साहब धर्म है हमारा, बोले दिखाओ। कहे नहीं लिखा तो नहीं है, बबलू भैया कह रहे थे। बबलू भैया के कहने पर संविधान चल देश चलता है? दिखाओ किताब में कहां लिखा है, किस हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि इस कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। सन्यासी तो जींस टी शर्ट में हो सकता है। वो पिक्चर आई थी ना, ओ माय गॉड, उसमें अक्षय कुमार को दिखाया ना कृष्ण के रोल में बाइक चलाते हुए। अब अगर भगवान आएगा तो 21st century के रूप में आएगा, रिबन लगाएगा, वो टॉम फोर्ड का चश्मा पहनेगा, रैंगलर की जींस पहनेगा, जिसकी बनाए हुए लोग इतने आगे बढ़ गए वो धनुष लेकर आएगा। उसने हमें बनाया और हम पहन रहे 20,000 का जूता, वो खड़ाऊ पहन के आएगा। इसलिए एक और सवाल सर, UPSC का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, तो आपके हिसाब से कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल वास्ट नहीं है। इकोलॉजी एनवायरमेंट कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है कि अगर वॉर से यह धरती नहीं खत्म होगी तो कम से कम पोल्यूशन से तो खत्म ही हो जाएगी। इस धरती पर वॉर का खतरा नहीं है, इस धरती पर पोल्यूशन का खतरा है। किसी दिन भी कुछ बवंडर आएगा, तो एनवायरमेंट पढ़ा रहे कि साहब आप देखो एनवायरमेंट का खतरा झेल रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कहां से, 1750 से 1991, क्योंकि ये दुनिया जो बदली औद्योगिक क्रांति के बाद सारी क्रांतियां हुई। 1750 इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन, 1787 अमेरिकन रेवल्यूशन, 1789 फ्रेंच रेवल्यूशन, 1917 रशियन रेवल्यूशन, 1949 चाइनीज, उससे पहले कोई रेवोल्यूशन नहीं। सारी क्रांतियों की जो मां है वो है औद्योगिक क्रांति। अब यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में जातिवाद कितने चरम पर है, तो जिस जातिवाद से हम लड़ रहे हैं उसी रेशियलिज्म से कभी अमेरिका भी लड़ रहा था। जो सामाजिक चुनौतियां हमारे पास हैं वैसी ही सामाजिक चुनौतियां उनके पास थी, औद्योगिक क्रांति को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो जब इकोनॉमी चेंज होगी तो समाज चेंज होगा। हमें जातिवाद से लड़ना नहीं है, हमें औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना है। जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ेगी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, यूपी में मिडिल क्लास पैदा हो जाएगा, उस मिडिल क्लास में ब्राह्मण होगा, दलित होगा, सब होगा। तो जब क्लास एक होगी, इंटरेस्ट एक होगा, सब मिलकर साथ में रहेंगे। तो रेलिवेंट उसका वो है सिलेबस। अगर वो वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेबस डाल देते इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तब वो बड़ा हो जाता, रेलिवेंट है। ये बात भी होती है कि जो सीसेट का रिफॉर्म आया आज से 10-11 साल पहले, तो उसके बाद से जो भारतीय भाषाओं से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके मौके, और ख़ास तौर पर जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके अवसरों में कमी आई है, और इसके हवाले में डेटा भी दिया जाता है। जापान ने 1867 में अपनी एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च की मॉडर्न, 1853 में जापान गुलाम हो गया। जापान अमेरिका का एक नेवल ऑफिसर है कमोडोर पेरी, उसने हराया जापानीज अथॉरिटी राजा को और संधि करवाई, जापान गुलाम हो गया। जिस दिन वो गुलाम हुआ जापान, उसी दिन, मतलब दिन कहने का मतलब उसी टाइम, उसने एक डेलीगेशन बनाया, यमगाता डेलीगेशन। यमगाता एक समुराई था, उस डेलीगेशन को उसने भेजा वेस्ट में, कहा जाओ पता करके आओ हम हारे क्यों। वो डेलीगेशन 14 साल पश्चिम में घूमा, 14 साल बाद वो लौट कर आया, तो उसने तो रिपोर्ट दी अपनी, कहा हम 3 वजह से आ रहे हैं, हम 3 मामले में पश्चिम से पिछड़े हुए। बोले पहला मामला
बोले न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नई आर्थिक संरचना पश्चिम में, और उसके दो पिलर हैं, पूंजीवाद कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और बोले दूसरा है न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर वहां पे है, जिसके फिर दो पिलर है, एक पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसने कहा तीसरी चीज है न्यू एजुकेशनल ऑर्डर, उसके भी दो पिलर है, एक रैशनलिज्म एक ह्यूमनिज्म। जापान ने उसी दिन अपना न्यू एजुकेशनल सिस्टम लॉन्च किया, मॉडर्न एजुकेशन इन कंपल्सरी इंग्लिश मीडियम। जब ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, आपको तो मैंने अभी क्या कहा कि आप यूटिलिटी पे ध्यान दीजिए। वैसे तो आप पश्चिम की सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट तो भारत के कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन लोग पी रहे हैं ना। आप सिगरेट पी सकते हो, लेकिन आप कहते हो साहब हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे साहब, क्यों? और अगर इंग्लिश कोई बोल दे पूर्वांचल में तो कहते हैं मकाले का लड़का है। कानपुर में गुर्देव पे खड़े होकर अगर आप मोबाइल पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि सर आई विल बी कमिंग टुमारो, आई विल बी टू लेट, मकाले। तो जापान का एक नेचर है, वो दुनिया की जो भी यूजफुल चीजें वो ले लेता है। हमें भी इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड है। लेकिन जापान ने काम और किया, इंग्लिश कंपलसरी कर दी, जापानीज क्वालिफाइंग कर दी कि आप इंग्लिश में कमांड रखोगे लेकिन अपनी भाषा को भी आप सीखोगे। वो चीज यहां पे नहीं हो पाई। आज लोग अब रामकृष्ण आश्रम जो है मेट्रो, वहां रामकृष्ण परमहंस का मंदिर है पहाड़गंज में, वहां भिखारी इंग्लिश बोलता है, $1, गॉड ब्लेस यू। जिस देश पे भीख मांगने की अराता अंग्रेजी है, उसको सीखना जरूरी है कि नहीं? सीखना चाहिए। तो गवर्नमेंट जब भी कोई चेंज करती है तो रेलेवेंसी के फैक्टर को ध्यान में रख के करती है। अब पहले क्या था, ऑप्शनल थे प्रीलिम्स में, तो किसी लड़के की हिस्ट्री अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी की सोशोलॉजी अच्छी है, अपना सब्जेक्ट पढ़ के उन्होंने निकाल लिया। तो जब सीसेट वो लाए, रीजनिंग वगैरह वगैरह लाए, तो उस पर एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बना दिया उन्होंने कि चाहे ह्यूमैनिटीज का लड़का हो चाहे इंजीनियरिंग का लड़का हो, सबकी लड़ाई पैरेलल होगी। अब उसमें उनको ये क्या पता था कि ये गुड्डू भैया अंग्रेजी नहीं पढ़े, कह रहे भैया हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़े, क्योंकि जिस वक्त लिबरलाइजेशन लागू हुआ इस देश में, यूपी ने एंटी इंग्लिश मूवमेंट चला दिया। तो एक तो उल्टे सीधे काम ये खुद ही करेंगे लोग, फिर कहेंगे कि ये हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कल जाओगे यूएन रिप्रेजेंट करोगे इंडिया को, तो वहां तो पूरी दुनिया के लोग बैठे हैं, तो वहां आप उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करिए जो ग्लोबली बोली जा रही, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की तरह आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो कि आप वहां हिंदी बोलें और लोग आपको अप्रिशिएट करें। हिंदी में भी अगर आप जाएंगे और आपने कह दिया कि मेरे को तो प्लेन पकड़ा और न्यूयॉर्क पहुंच के आई वेंट इनटू द मॉल, कुछ तो सही आनी चाहिए। हिंदी कायदे से बोलोगे नहीं, इंग्लिश आती नहीं। आपका एक ट्वीट है, कन्वर्जन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस, एग्जाम्पल सिद्धार्था बिकमिंग बुद्धा, रेस्ट एवरीथिंग इज अ ड्रामा, पर एम इन कैपिटल एंड पी इन कैपिटल को कौन समझाए? ये एम और पी कौन है? ये आपका अब तक का सबसे लंबा पॉज है गुरुजी। ये मौलाना और पुरोहित है, सारा रायता इन्हीं लोगों ने फैला रखा है। ये जो इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है, इनकी भी गलती नहीं है बेचारों की, मैं इनको नहीं कहता हूँ कुछ, क्योंकि फिर मैं आरजू कादमी जी को कोट करूंगा। उन्होंने मौलाना जी साहब से पूछा, राशिदी साहब से, कि राशिदी साहब जब हमारे जब मेल हैं मुसलमान मेल वो ऊपर जाएंगे तो उनको हूरे मिलेंगी, तो हमें क्या मिलेगा? रीजनिंग। तो मौलाना ने कहा कि आपको भी कुछ मिलेगा, कहीं नहीं नहीं क्या मिलेगा हमें? कितना प्यारा सवाल है उस लेडी का कि आदमी तो जाएगा जन्नत और फिर वहां 72, और हमें? बोले आपको तो आपके शौहर मिलेंगे, वही पुराना। ये वो कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी वीडियोस पड़ी यूट्यूब पे, बड़े कट्टरपंथियों ने उन पर बड़े अटैक किए थे कि ये वो। तो इनको दरअसल इनकी जो ड्यूटी है ये वहां तक अगर रहे, जैसे विवेकानंद जी कहते हैं कि पुरोहित का काम है व्यक्ति को धर्म की जानकारी दे, ज्ञान देने का काम संतों का है। तो सदगुरु बता सकते हैं मेडिटेशन क्या है, मैं नहीं बता सकता,
क्योंकि सतगुरु ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति है, पंडित रविशंकर ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति है, मां निर्मला देवी ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति है। तो जिन्होंने पा लिया है वही उस चीज की एलिजिबिलिटी रखते हैं। इंफॉर्मेशन तो कोई भी ले सकता है, तो पुरोहित के पास इंफॉर्मेशन होती है और उसका दायित्व, तो विवेकानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, पर एक उम्र के बाद नहीं जाना चाहिए। तो वो मेरा कहने का मतलब था, पर इतनी ज्यादा उस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने कहा इसको लिख दूंगा तो और बवाल हो जाएगा। और मेरे मतलब पिताजी थोड़ा सा डर गए थे उस वक्त, कहते बेटा क्यों बवाल करवा रहे हो। पहली बार मैंने उनको डरते हुए देखा था, किसी ने शायद फोन कर दिया था कि तुम्हारे लड़के पे हमला होने वाला है, तो हमारे ऊपर कौन हमला करेगा। पिताजी ने कहा नहीं, उस पर सब हमले बचपन में हो चुके हैं, वो अपने कर करा के बराबर कर चुके हैं। हमको एक साहब ने दो बजे फोन किया, गाली देने लगे, फिर मैंने पलट कर उनको दिया, तो मेरी उधर ज्यादा पकड़ है, तो वो बड़े पॉज में आ गए। उनको लगा कि मास्टर वास्टर है, अभी गाली देंगे तो सॉरी वारी बोलेगा। हमने कहा तुम बटोर के जाओगे अगर आ गए मेरे सामने, तो ऐसे बीन के ले जाएंगे लोग, इतना मारेंगे। तो मुझे लगता जाग गया। हाँ, मुझे लगा कि इसीलिए मालिक ने उस वक्त की ट्रेनिंग दी मुझे कि तुम्हें आगे ये सब काम करने हैं, तो तुम ये सब ट्रेनिंग ले लो। अच्छा, ये सब तो ठीक है ट्रेनिंग, रिक्शे में क्या बात कर रहे थे जो रिक्शे वाला कॉलर पकड़ के उतार दिया? रिक्शा वाला बुजुर्ग था, तो कब की बात है ये? ये है मेरे ख्याल से 96-97 की बात है। दिल्ली की आउटर लाइन। तो बेचारा बुजुर्ग आदमी था, रिक्शा चला रहा था, तो मेरी पिच हाई है बात करने की, तो मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो उसने मुझसे कहा, रिक्शा ने कहा कि पलटा कहा कि भैया धीरे बतवा लो, डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कहा कौन सा सोक रेट्स पढ़ रहे हो तुम कि तुमको डिस्टर्ब हो रहा है, रिक्शा चला रहे हो, चलाओ। मैंने कहा बाबा जी गलती हो गई, तो फिर मेरे दिमाग से उतर गए, फिर हवा तेज, उसने ब्रेक लगाया, भो हो गया, उतना पकड़ लिया कॉलर। अब मेरे दोस्त हैं अभिजीत यादव बिहार से, वो थोड़ा एग्रेसिव आदमी है, लालू जी की फैमिली से हैं, उतरा रहे। मैंने कहा महाराज, फिर मैंने कहा बाबा जी गलती हो गई, दिमाग खराब है तुम्हारा, धीरे चलाओ रिक्शा। हमने कहा अब नहीं बोलेंगे। फिर वो बंदा लेकिन हमें ले नहीं गया, उसने वही छोड़ दिया, काम को पैसा ना चाहिए। अरे हमने कहा बाबा पैसा तो रख लो, हम बेईमानी करेंगे लेकिन रिक्शा वालों के साथ नहीं करेंगे, तुम्हारा पैसा नहीं मारेंगे। तो वो क्यों कुछ क्या उनका किस चीज़ का डिस्टर्ब हो रहा था? पता नहीं शायद कुछ हो सकता है, मेरी बात इंटरेस्टिंग लग रही हो उसे, तो डिस्टर्ब हो रहा हो रिक्शा चलाने में कि कहीं ले जाके लड़ावड़ा जाते हैं, तो उसने कहा कि भैया धीरे चला। एक दर्शक ने पूछा क्या सच में आपके कोई मोदी जी दोस्त हैं? हाँ हाँ, मेरे क्लासमेट हैं। थोड़ा बताइए उनके बारे में। हमारे दोस्त हैं अंशुल मोदी, बैचमेट हैं, गोंडा जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके ठीक सामने उनका मेडिकल शॉप है, अग्रवाल मेडिकल हॉल। तो वही है, एक बार मैंने उनसे पैसे वैसे मांगे तो उन्होंने कहा दावत पैसा तो दे लो, उधार मत मांगो। मैंने कहा क्यों? कहा दोगे नहीं यार, फिर मैं दो लॉस में चला जाऊंगा, मेरा पैसा भी जाएगा, मेरा रिश्ता भी जाएगा। उस वक्त हमको ये बात बहुत बुरी लगी कि देखो पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है। फिर बाद में हमारे रिश्तेदार लेके चले गए पैसा, फिर हमने उनसे टाइम पे मांगा, उन्होंने कहा ऐसे तकादा कर रहे हो जैसे भागे जा रहे। तो मुझे उस आदमी की याद आई कि कितनी अच्छी बात कहा था उस आदमी ने, पैसा भी गया और रिश्ता भी। फिर बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि ना देंगे क्या कर लोगे, तुमने कहा भैया मोदी जी ने रिश्तेदार ने हमारे नहीं देंगे तुम्हारा पैसा, ठीक है मत दो भैया, फिर उन्होंने उसे मांगा भी नहीं। एक और मोदी जी हैं देश के सबसे मशहूर, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। आप अपनी क्लास में ऐसे बता रहे थे जैसे मोदी जी ने खुद आपको बताया कि उन्होंने फलाने को फोन किया, शी जिनपिंग को ऐसा कहा वैसा कहा, तो कैसे पता चला आपको? पीएमओ की कॉल तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष से। नहीं, मैं ये क्वेश्चन अभी मुझसे पूछा गया, मैंने उसका जवाब भी दिया कि कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है कि जैसे क्लास में कभी कभी लड़के बहुत लो चले आते हैं हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते, तो उनको कुछ ऐसी बात बोलनी होती है, दो तीन बातों पे लड़का तुरंत जिंदा हो जाता है। अच्छा, एक हिंसा की बात पे, एक सेक्स की बात, अगर कोई सेक्स शब्द बोल दिया सब खड़े हो गए, कहाँ, अरे बोले कहीं नहीं ऐसे ही बस बोल दिया था। वो एक टीचर को पता होता है कि किस मोमेंट पे। अब हम जैसे ऑफिशियली जो क्लासेस होती हैं वो 45 मिनट्स की होती है, हमारी 3 आवर्स की होती है, 3 आवर्स हिस्ट्री। उसमें उस लड़के को टाइम टाइम पे जिंदा करना टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, नहीं तो कोई बीच वाले को उंगली कर दिया, कोई पेन कान में डाल लिया, कोई पंखे की तरफ देख रहा है कि मास्टर का इतना पढ़ा हो गया अब रहने दो।
और 3 घंटे से कम पढ़ा दे तो कोचिंग वाले पैसा काट दें। वो कहते हैं कि 2 आवर्स 15 मिनट, हमारा तो नहीं काटते। खैर नहीं काटते। ये मोहम्मद अल्ताफ ने सवाल पूछा है, ओजा सर महीने में कितना पीट लेते हैं पैसा? बता देंगे, फिरौती मांगने लगेंगे सब हमसे। ऋतुराज जायसवाल पूछ रहे हैं, सर की फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? नहीं, मैं जब भी किसी वेलफेयर काम के लिए जाता हूँ, संकल्प में पढ़ाता हूँ, मैंने 500 रुपये पर आर से ज़्यादा कभी नहीं लिया। संकल्प में तरुण अस्थि है, वहाँ पे मैंने उनसे कभी नहीं लिया। मैं उधर जाता हूँ, झारखंड जाता हूँ, मतलब जहाँ भी लोकल सेंटर्स में जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मैं टीचर पे छोड़ता हूँ, वहाँ के जो मैनेजमेंट होता है उस पे छोड़ता हूँ कि जो तुम्हें देना हो वो दे दो। लेकिन इंडस्ट्री के अंबानीज हैं तो उनसे तो लेना पड़ेगा पैसा, वैसे वो तो देंगे नहीं। मनोज ध्रुवे पूछ रहे हैं कि विकास दिव्यकीर्ति पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या आए थे वो जी, और एक महान शिक्षक हैं, और बहुत ही महान शिक्षक हैं, मतलब बड़ी एविडेंशियल बातें करते हैं, तार्किक बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और उनके पढ़ाए हुए कितने सारे लड़के IAS IPS हैं, बड़ा अच्छा हिस्ट्री है उनका एक टीचिंग कैरियर का, तो बहुत अच्छे शिक्षक। आप मिले हैं कभी? मैं उनसे तब से मिला हूँ जब उन्होंने एक कमरे में कोचिंग शुरू की थी 610 परमानेंट, मतलब वहाँ से मैं उन्हें जानता हूँ, जब इतनी बड़ी क्लास थी और लकड़ी की कुर्सियाँ हुआ करती थी और मकान नंबर था 610। पुराना परिचय है। और हमको भी बहुत, मैं कभी उनसे कोई बात बोलता हूँ कि सर ये लड़का है इसके यहाँ पैसा नहीं है, तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल भेज दो। कहे का मान रखते हैं मित्रों के। बिल्कुल रखते। और खान सर? खान सर तो मुझे बहुत मस्त लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। मैं उस आदमी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। उसकी वजह यह है कि इस हमारे प्रदेश में, यूपी में, बिहार में कहाँ लोगों के पास पैसा है। 200 रुपये में क्लास पढ़ा रहा है वो बंदा, और मस्ती से, मतलब जिस इंटरेस्टिंग वे में वो आदमी पढ़ाता है, किसी को भी जोड़ लेता है। 80 साल का बुजुर्ग भी खान सर को बैठ के देख रहा है, और अपनी डायलेक्ट में हर आदमी जुड़ा हुआ है कि जब आप मुर्गा खाते हैं तो उसका हड्डी मुंह में डाल के चरबराते रहते हैं, तो लोकल लड़का बड़ा कौन अच्छा फील करता है कि गुरु जी जो है हमसे जुड़े। तो खान सर बहुत रिवोल्यूशनरी काम कर रहा है, वो आदमी बहुत क्रांतिकारी। खलेश का सवाल है, सेक्स एजुकेशन को लेकर सर क्या सोचते हैं? खजुराहो के मंदिर में सेक्स की मूर्तियों को अंकन किया गया, गांधी जी देखने गए, यहीं पर गलती कर गए थे गांधी जी। गांधी जी उसको देखने गए तो उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों पे मिट्टी डाल दो। अगर सेक्स एजुकेशन नहीं होगा तो ये जो देश भर की दीवारों पे लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले, ये नहीं खत्म होगा। आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, कहीं लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले, वहाँ पेशाब घर में वो स्टिकर नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। प्रत्येक शुक्रवार, हाँ, प्रत्येक शुक्रवार बाबा मस्तानी, हाँ। नौकरी, सौतन, प्यार। अरे प्यार ताकत से मिलता है, लक्ष्मी जी विष्णु के साथ चली गई। सिद्धांत समझना होगा ना भाई, कौन सा विष्णु जी जाकर लक्ष्मी जी को प्रपोज कर रहे हैं, वो तो निकली समुद्र मंथन के बाद देवता असुर कि हम शादी करेंगे, तो उन्होंने कहा तुम लोग लाइन में बैठो मैं बताती हूँ। स्त्री खुद ही पावर है, तो वो पावर को ही पसंद करती है, मरे हुए को क्यों पसंद करेगी। तो फिर उन्होंने देखा कि उधर कोई आदमी लेटा, तो पूछा उन्होंने कि वो कौन लेटा, बोले विष्णु जी हैं। बोले उनको पता है मैं बाहर, बोले हाँ पता है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, बोले नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं, जाके माला पहना दिया। कितनी अच्छी कहानी है वो कि स्त्री और धन ताकत के साथ है, सिंबॉलिक है मामला, सिंबॉलिक है, ये कहना जरूरी है, नहीं तो लोग फिर आहत हो जाएंगे। हाँ हाँ सिंबॉलिक है, हमने कहा ना यही तो हिंदू धर्म की खासियत है। हाँ कि आपने हिंदू धर्म की यही खासियत है कि वो दर्शन को कहानियों में बदल दिया उसने। अनुराग ने पूछा है कि ओझा सर के जीवन में आशुतोष महाराज का महत्व कितना है? बहुत महत्व है, मैं जिंदा हूँ उनकी वजह से। 2015 में मुझे डेंगू हो गया और प्लेटलेट मेरी चली आई 5,000, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में है, 27 में, सेक्टर 27 में, रूम नंबर 7 में था। और मतलब डॉक्टर मुझसे बार बार आके कहता था कि भैया ब्लीडिंग होगी तो बताइएगा, भैया ब्लीडिंग होगी बताइएगा। तो एक बार वो आया, और मेरी वाइफ जो है वो इनसे दीक्षित है, अब तो मैं भी दीक्षित हूँ। तो आप कई गुरुओं से जुड़े हुए हैं? तो सारे एक ही हैं, सिर्फ बर्तन अलग है, पानी एक है, कन्वर्जन का सिद्धांत सबका है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, सबका तरीका अलग है।
कबीर का अलग है, बुद्ध का अलग है, महावीर का अलग, बाकी सब वही बात करते हैं। हाँ, क्योंकि आप आशुतोष महाराज की भी बात कर रहे हैं, निर्मला देवी की भी बात कर रहे हैं, अलगड़ानंद जी की भी बात कर रहे हैं। हमारे आपके टीचर नर्सरी में भी थे, फिर क्लास फिफ्थ में भी थे। अच्छा, तो वैसे है। हाँ, उस तरह की हायरार्की जी, तो इस पे बात कर रहे थे। खून निकलने वाला है। हाँ, डॉक्टर पूछता तो वो बोला जब ब्लीडिंग होगी तो बताइएगा। तो जब वो रात में आया 7:30 बजे, तो मैंने कहा देखो डॉक्टर अब मत आना, हमको पता हम कैसे मरेंगे, हमको 100 गोली लगेगी कि 47 तभी मरेंगे, और दोबारा मत आना। तो फिर मेरी वाइफ आई तो उसने कहा कि कुछ नहीं होगा यार, तुम चिंता मत करो। हमने कहा मुझे पता है, शैतान लोग ऐसे थोड़ी, उनके साथ डेंगू वेंगू से थोड़ी भी मरता है। तो एक इंसिडेंट है, अब वो काल्पनिक भी हो सकती है। अब मेरे दोस्त बताते हैं कि हॉलिसिनेशन होता है एक्यूट स्ट्रेस के टाइम में। तो सुबह 4 बजे के टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी आए हैं, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला कुछ नहीं होगा तुमको, पर हमारे लिए काम करोगे। उसके बाद एक गहरी नींद आ गई मुझे। और एक लड़का है राघव, संकल्प पढ़ाने का ये बहुत बड़ा फायदा हुआ मुझे कि राघव लड़का है। और संकल्प एक संस्था है जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए है, फीस पे, बहुत कम फीस पे, बहुत कम फीस पे पढ़ाते हो। तो वहाँ का लड़का था, तो वो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ गया 6:30 बजे, एक बॉटल उसका पपीते के पत्ते का जूस और बकरी का दूध वगैरह लेकर आ गया। हाँ गुरु जी ये पियो आप, शाम तक ठीक हो जाओगे। और शाम को मेरी प्लेटलेट करीब 20,000+ थी। तो आशुतोष महाराज जी का ये था कि मेरी वाइफ दीक्षित थी शुरू से, तो एक मेरी वाइफ ने कभी मुझे टोका नहीं, मतलब 98% मेरे फादर और 2% मेरी वाइफ। करण का सवाल है, असफलता कैसे हैंडल करें, सफलता की कहानियां तो खूब बांची जाती हैं। असफलता बेइज्जती कराती है। जब आप असफल होते हैं तो आप हर आदमी के लिए हास के पात्र बन जाते हैं, लोग आपका उपहास उड़ाते हैं, हंसते हैं आपके ऊपर लोग। वो हंसी अगर आपके दिल में बैठेगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप उस हंसी को कैजुअली लेने लगेंगे कि अरे भैया तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो असफलता जब असफलता आपको, मैं मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे 100 रुपये मांगा था आज से करीब 15-15 साल पहले, नहीं दिया था उन्होंने। फिर वो मुझे 1 लाख रुपए की घड़ी दे के गए, जिसकी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो काम कह के गए थे वो मैंने किया नहीं। तो असफलता क्या है कि आपको निग्लेक्ट करवा देती, सोसाइटी से बाहर फेंकवा देती, कोई आपको देखता नहीं। आप शादी में गए, लोग पूछते नहीं कि पानी पिए भैया कि नहीं पिए। अब मैं जाता हूँ तो लोग ऐसे हाथ कर लेते कि भैया यहाँ तो दो पान खा रहे, बाहर खाए जाओ। तो वो जो निग्लेक्शन है उसका भी मजा लेना चाहिए। आदमी उससे भागता है दूर की, मुझसे कोई बात कर नहीं कर रहा है, माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी। तो वो असफलता से नहीं भागता, उससे जो दर्द पैदा होता है वो उससे भागता है, वही दर्द आदमी को शक्ति देता है राइज करने। ये अभिजीत का सवाल है, आप अपने एक वीडियो में कह रहे थे कि लड़कियों को फ्रीडम मिल जाए तो हर लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो राम को चुनेगी अपना जीवन साथी। तो सवाल ये है कि राम को पाने के लिए सीता होना जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, औरतें सब सीता होती है। राम आदमी ही राम और रावण के रूप में पैदा होता है, आदमी या तो राम है या रावण है। ये काफी स्वीपिंग रिमार्क है, कई लोग ऐसा कहेंगे। नहीं नहीं, औरत जो है, वुमन जो है, कोई भी आप देखिए, जहां भी वुमन शक्ति के साथ, वो जहां भी बगावत करेगी या जहां भी परेशान होगी, उसकी एक वजह पृष्ठभूमि के पीछे जरूर होगी कमजोरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि कोई लड़का है, अब वो अपनी लड़की को गर्लफ्रेंड है उसका, वो मोबाइल देख के चेक कर रहा है किसका मैसेज आया है, किससे बात कर रही थी। ये वुमन के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उसकी प्राइवेसी, जैसे मैंने शाहरुख खान जी को सुना एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, मैं बॉलीवुड में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता। उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ के रूम में जाता हूँ तो डोर नॉक करके जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ का कभी फोन नहीं उठाता। कितनी बड़ी बात है, मतलब मैं तो नहीं मान सकता था कि इस बात को कि ऐसा भी कोई करता होगा, पर उन्होंने कहा है तो ठीक ही, इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं तो किया होगा उन्होंने। तो वुमन को जहां भी शक्ति है वहां मैंने कभी नहीं देखा कि वुमन ने कोई दुर्व्यवहार किया, कोई बदतमीजी की हो, कुछ गलत किया। ये हम लोगों ने दर्शन पर बात की, इतिहास पर बात की, जीवन पर बात की। ये मेरा आखिरी सवाल है, प्रेम पर भी खूब क्वेरीज आती होंगी विद्यार्थियों की तरफ से जी, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में देखा कि आप डाउरी के बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और स्त्री और पुरुष के संबंध और जो लैंगिक विषमता है उनके बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्रेम का जब प्रसंग आता है तो ये सारे प्रसंग भी आते हैं। तो क्या
किस तरह की क्वेरीज आती हैं, क्या समाधान बताते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ प्रेम दो तरह के होते हैं, अफेयर्स, प्रेम नहीं अफेयर्स होते हैं, एक मजनू टाइप एक नेपोलियन टाइप। तो नेपोलियन का जो अफेयर है वो जोसेफिन से है। जोसेफिन बहुत ही रिच लेडी है, पावरफुल लेडी है, फ्रांस के प्रेसिडेंट से उसकी दोस्ती है, और जब जोसेफिन से वो शादी करता है तो तुरंत एलिवेशन होता है उसका, कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी। तो जो अफेयर आपको राइज कराए वो नेपोलियन टाइप है, करना चाहिए। जैसे मैं, हमारा एक स्टूडेंट है, फर्स्ट रैंक थी उसकी आईएएस में, कनिष्क कटारिया, उसने इंटरव्यू में कहा कि मेरे सिलेक्शन में एक सबसे अहम भूमिका रही फर्स्ट रैंक आने में मेरी गर्लफ्रेंड की। जबकि आमतौर पर लोग औरतों को सिर्फ बर्बादी की वजह ही बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन बताते हैं। औरतें किसी को बुलाती थोड़ी हैं, आप खुद ही जाते हो एप्लीकेशन लेके कि हमें बर्बाद कर दो, तो कहती ठीक है तुम्हारी इच्छा तो कर दे रहे। लेकिन वो लड़का कह रहा है कि मेरी फर्स्ट रैंक आ रही है, मेरी गर्लफ्रेंड की उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आप सोचिए इस बात को कि प्रेम कोई अफेयर कोई बुरी चीज तो है नहीं। और एक मजनू टाइप है, कपड़ा फाड़ लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, रो रहे, चारों तरफ घूम रहे, तो वो तो नुकसान पहुंचाएगी। जब आप पोसेसिव हो जाएंगे और एकदम किसी एक आदमी पे सेंटर्ड हो जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएगी। तो मैं कहता हूँ अफेयर कोई बुरी बात नहीं है, करो आप, लेकिन नेपोलियन टाइप होनी चाहिए। ये दोनों ही जेंडर्स पे लागू होता है कि जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करे, बिल्कुल, और आप भी उसकी हेल्प करें, यही समझो ना रिश्ता। बिल्कुल, रिश्ते का मतलब ही यही होता है कि दोनों लोग साथ में राइज करें, आगे बढ़ें, शांत रहें, यही होता है। ये देखिए कई बार क्या होता है, लोग अविधा में चीजें ले लेते हैं, इसलिए हमको ये क्लैरिफिकेशन बोले, अरे साहब अब तो ओझा ने कहा कि अपने से ताकतवर गर्लफ्रेंड बनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, वोट रहे करेंगे उसको, बिल्कुल करेंगे। जैसे मेरी वाइफ है, तो उन्होंने जब हमारा अफेयर चल रहा था तो उस लेडी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि मैं कुछ भी बोलता था, जैसे मैं बोलता था कि मर्सिडीज लेनी है, तो बोलती दो ले लो, एक ब्लू कलर की लेना और एक ब्लैक ले लो। उसको पता था इस लेट आदमी के जेब में एक रुपया नहीं है, लेकिन वो कहती थी कि ऐसा करो तुम यार काम करो दो ले लो। ये पिताजी से दीक्षा पाई थी क्या? नहीं पता नहीं, जो शायद ध्यान व्यान करती हैं उसका परिणाम है ये। मैं कहता हूँ, जैसे अभी मैं उनसे कहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ यार इलेक्शन लड़ जाऊँ, कहती यार तुम्हारा मोदी जी वाला हिसाब किताब है, तुम क्यों लड़ोगे यार, सीधे शपथ लेना जाके। तो अब जिस अब आदमी, अगर आपका जीवन साथी इस तरह का है जो आपको, जैसे आमतौर पर लोग क्या करते हैं, आप कोई बड़ी बात बोलते हो लोग हंसने लगते हैं कि ये प्रधानी जीतने की औकात नहीं, एमपी लड़े, वहीं पे आदमी डिमोरलाइज हो गया। और साथ वाला क्या कर रहा है, आपको मोटिवेट कर देता है, एलिवेट कर देता है। जैसे मुझे, मैंने साइकिल यात्रा की लखनऊ से दिल्ली, साइकिल यात्रा, हाँ साइकिल चलाई थी मैंने 16 सितंबर 2019, यूपीएससी का अटन बढ़ाने की मैं मांग कर रहा था कि एक अटन बढ़ा दिया, तो मैंने साइकिल सत्याग्रह किया था। तो लखनऊ से दिल्ली तक मैंने साइकिल चलाया था, मेरे साथ 12 लोग थे, उसमें हिमांशु भाटी जी वगैरह ये सारे लोग थे। तो जब, और कोरोना का पीक चल रहा था वो, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि यार साइकिल चलाने जा रहा है, लड़के हमसे कह रहे हैं सर कुछ करो, मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, तो बोली जाओ। तो लोगों ने हमसे कहा कि अरे कोरोना चल रहा है, कोरोना हो जाएगा, बोली यार तुमको कहा कुछ होगा, तुम भगवान के बेटे हो, जाओ चलाओ। तो मैं जब भी उनसे कहता था कि आज 80 किलोमीटर साइकिल चला दिया, 70, बोले कम चला ही थोड़ा, 100 मार दो। तो एक पत्नी का उस स्टेज पे इस तरह से कोरोना के पीरियड में 700 किलोमीटर की साइकिलिंग, वकील साहब जो बाहर बैठे थे वो थे हमारे साथ में, और वो भी यही काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि अब चलानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, साइकिल चलाने का शौक है आपको, साइकिलिंग का? जी, मैं स्टूडेंट से कहता भी हूँ कि उन्हें जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि वो अवॉइड करें बाइक वाइक चलाना। तो स्टूडेंट को वैसे भी कम पैसा मिलता है, तो और फिर साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो उन्हें करनी चाहिए। अवधूजा जी आपने, अच्छा अभी सवाल बाकी है, अच्छा जी, ये 3 घंटे की क्लास ही बना दी गई है। मैं माइक पकड़ रहा हूँ, आप सवाल पूछिए। सर आपने दुर्योधन के बारे में बात करी कि मरे हुए दिमाग का आदमी था,
मेरी किसी से इस बारे में वार्तालाप हुआ था, बहस हुई थी, उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि उस ज़माने में रिफॉर्मेटिव थ्योरी नहीं थी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी चलती थी, कोई फेमिनिस्ट इवन ह्यूमनिस्ट कॉन्शियसनेस नहीं थी कह सकते हैं आप, तो एक आँख के बदले उसने आँख ले ली और उनकी दुनिया अंधी हो गई, वो तो बात अलग है। मुझे लगा कि मेरा सिंपलिस्टिक माइंडसेट है, मैं क्रिटिकली नहीं सोच पा रही हूँ, मैं एक इमोशनल लेंस से देख रही हूँ, तो मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया। और आपको अगर देना होता तो आप किस तरह से, मैं तो राधा जी का एग्जांपल देता, कितना सम्मान देते भगवान कृष्ण उनको, रुक्मणी कृष्ण नहीं कहता कोई, राधा कृष्ण। रुक्मणी जी उनसे पूछती हैं कि आप राधा को इतना क्यों चाहते हैं, क्या ह्यूमनिज्म का प्रेजेंटेशन है उस आदमी का, क्या फेमिनिज्म का प्रेजेंटेशन है उस आदमी का, कौन कहता है फेमिनिज्म नहीं था, फेमिनिस्ट तो सबसे बड़े भगवान कृष्ण है। तो रुक्मणी जी कहती हैं आप राधा जी को क्यों मानते हैं, हमको उतना क्यों नहीं मानते, बोले किसी दिन बताएंगे। तो एक दिन रुक्मणी जी से कहते हैं कि यार सीने में बहुत दर्द हो रहा है और वैद्य जी ने कहा है कि जो मुझे बहुत प्यार करता है उसके पैर की धूल अगर मिल जाए और लगा ले तो ठीक हो जाए। अरे रुक्मणी जी ने कहा आप मेरे पैर की धूल लगाएंगे, पाप देंगे मुझे। तो फिर वो खबर वृंदावन आई और राधा जी को पता चला, उन्होंने कहा पैर की धूल तो ले ही जाओ, मैं लौट जाती हूँ जमीन में, तो वो धूल ले जाओ, जो जो लगे वो लगा दो। तो फेमिनिज्म तो भगवान कृष्ण में है, भगवान राम में है फेमिनिज्म, सीताराम। इतनी इज्जत दे रहे हैं वो राधा जी को कि पैर की धूल लगाने पे सीने का दर्द ठीक हो जाएगा, इसलिए तो भगवान है। भगवान राम जा रहे हैं लंका की तरफ, समंदर सामने आता है, हाथ जोड़ लेते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं अरे भैया आप तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। भैया लक्ष्मण जी पूर्वांचल गए ना, टिपिकल पूर्वांचल गए आदमी कि भैया आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपका हाथ जोड़ रहे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं है, तुम चुप रहो यार, हाथ जोड़। तीन दिन, तभी तो भगवान है, पावर होते हुए प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लंका पहुंचते हैं, दादा भाई नेहरू जी को भेजते हैं, विभीषण पिटीशन एंड प्रेयर कि जाओ भैया कह दो सीता जी को वापस कर दे। विभीषण नहीं मानता है तो एक्सट्रीमिस्ट को भेजते हैं, अंगद जी को और हनुमान जी को। जब ये भी नहीं मानते तब कहते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठोकना पड़ेगा इसको, ये बिना मारे नहीं मारेगा। तो इसीलिए ये लोग भगवान है, इस भगवत्ता को उपलब्ध लोग जो मतलब समझते हैं कि महानता का मतलब क्या होता है। मैं आ रहा था लखनऊ से, एक साहब पता नहीं को रहे होंगे, टोल वाले से लड़ रहे थे, हमारे पापा, मैं टोल वाले को आंख मार देगा, मारो 20-25 साहब की घीस के मारो उसको, पापा। यहाँ छोटे छोटे पदों पे बैठे हुए लोग दूसरे को धौस दिखाते हैं, भाई आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आते होंगे तो कई बार आप लोग फील करते होंगे कि लोग आए हैं बड़े पदों पे हैं, तो उनका एक अलग एटीट्यूड होता होगा। राम जी में तो नहीं है, भगवान है। तो आपको भी देख के हंसी होती होगी, कल हार जाओगे इलेक्शन भीख मांगोगे, खैर खैर ठीक है कोई बात नहीं, चलो अच्छा आज आए हो तो चाय पिला ही देते हैं। जी सर, जब भी कोई चीज बताते हैं तो मिर्जापुर के कई सारे किरदारों का जिक्र करते हैं, कट्टर फैन हो आप मिर्जापुर के। तो सर मतलब घर पे कभी फिल्म देखते हुए आए यार ये गलत कर रहा है हम करेंगे इसे, मतलब करेक्टर करेक्टर नहीं नहीं मैं डू भैया वाला या नहीं, जैसा अब मिर्जापुर में अगर ये देखा जाए किसका सिलेक्शन होगा आईएएस में, तो वो आदमी अखंडानंद त्रिपाठी, वैसी पर्सनालिटी आईएएस बनती है। सीएम के सामने बैठा है, हत्या हो रही है, काम एंड क्वाइट, तो उस आदमी के चेहरे पे कोई फर्क नहीं, सीएम के चेहरे बॉडी पे फर्क पड़ता है, सीएम का हाथ ऐसे ऐसे कुर्सी पे हिलता है, जैसे आप जब किसी का इंटरव्यू लेते हो तो जब वो आदमी आके यहाँ बैठता होगा तो आप जान जाते हो कि अनरेस्ट पे है, अनकंफर्टेबल है, कोई हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई बार बार ऐसे कह रहा है पानी ले आओ भैया, आप लोगों को तुरंत अंदाजा हो जाता होगा कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं भैया, उसका सेक्रेटरी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, पीएम सीएम ऐसा हाथ देता, मुन्ना भैया का तो दोस्त ही मारा जा रहा है, लेकिन अखंडानंद त्रिपाठी काम एंड क्वाइट। गुड्डू भैया तो लोअर पीसीएस ना निकाल पाए, गुड्डू भैया कहते ना लाला से कि लाला हम ऐसे आदमी हैं जिसको खुद ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, अबे तुम हिस्ट्री पढ़ो ज्योग्राफी पढ़ो तुमको क्यों नहीं पता है। गुड्डू भैया तो मुन्ना भैया चपरासी ना बने,
अगर उनका ऐसे बहुत सारे लोग आज भारत में हैं जिनकी चपरासी बनने की हैसियत नहीं है, सिर्फ अखंडानंद जैसा पिता पा गए इसलिए समाज में हैसियत बनी हुई। काफी आपने मिर्जापुर का सांगोपांग अध्ययन भी किया है और उसकी दार्शनिक निष्पत्तियों की व्याख्या भी, कितनी दफा देखा आपने उसको? देखा तो एक ही बार है। हाँ, सोचा खूब। हाँ, मतलब कनेक्ट करता हूँ, जैसे ललित है, बदतमीज आदमी है उसको वो डिजर्व करता है उस तरह से जो सीन उसके साथ घटी है। अब जाके उससे कह रहा है कितना पाती हो, अरे तुम आओ इंटरव्यू सीएम से मिलने, सीएम से मिलो, अपने घर जाओ। वो लेडी बाहर बैठी, उसे पूछा कितना पाती हो, हमारे साथ आओ मिर्जापुर, मुन्ना भैया से कहेंगे तुमको ज्यादा पैसा दिलाएंगे। वो मुन्ना भैया बेहोश भी में से उठ रहे हैं, गाली दे रहे हैं किसी को, माँ को शायद गाली दे रहे, तो कह रहा है मुन्ना भैया आपकी दादी इनकी माँ है, क्यों याद दिला रहे हो इस बात। तब वहां पे वो अखंडानंद डिसाइड करता है कि तो मैं बताता हूँ तेरे जैसे निकम्मों के मेरा लड़का बर्बाद है, तेरा हिसाब किताब करता हूँ मैं। तो वो चीज जैसा उसमें जो कैरेक्टर लेडी है वो मुन्ना की वाइफ, इतनी महान लेडी है वो, एक बीस्ट को कंट्रोल कर देती है। मुन्ना आगे कहता हम किसी के साथ सो क्या है, कोई बात नहीं पागल हो तुम, खाना खा लो सो जाओ। क्या लेडी हो, क्या कैरेक्टर है उसका, शांत कूल काम। गोलू गुप्ता का कैरेक्टर एसएससी ना निकले इनसे। तो वो कैरेक्टरों को मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि रतिशंकर शुक्ला गाली दे रहे हो, जब तुमको पता है कि डिस्टर्ब है मेंटली, उसको तुम माँ की गाली दे रहे हो और वो भी मना कर रहा है। हाँ। उसके पीछे जो लड़का खड़ा है वो मना कर रहा है कि रति भैया काय माँ की गाली दे रहे, कह रहे हम देंगे हमारा इलाका है। जो आदमी कह रहा है एक बाहुबली से कि मुन्ना भैया दोबारा आएंगे और लौट के ना आए तो, कितना उसके अंदर इंटरनल ग्रेविटी रही होगी। जैसे लोग जब किसी बड़े लोगों, जैसे हिंदुस्तान यूपी बिहार हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग क्या, किसी बड़े आदमी पैर छू लिए तो भैया नमस्कार तुम्हारा फूफा है, नहीं नहीं भैया तब का है पैर छू रहे हो। आज एक भारत में रोग है पैर छूना, वो मूवी आई थी शागिर्द, उसमें उस पर कमेंट किया था लड़का जो नाना पाटेकर से मिलने आता तो यहां से पैर छूता, कहता यहां क्या छू रहे हो नीचे छूओ, यहां एक ट्रेडिशन बन गया पैर छूना। तो जो आदमी अखंडानंद जैसे व्यक्तित्व से इतनी निर्भीक होकर बात कर रहा है, अखंडानंद कह रहा कि मुन्ना भैया दोबारा तुम्हारे घर गए तो तुम नहीं मिले, कब तक बजाओगे वकील साहब को, कहता मुन्ना भैया दोबारा गए जिंदा ही वापस नहीं आए। इसका मतलब एक इनर हैवीनेस है, तभी तो अखंडानंद डिसीजन लेता है, तुरंत आंखों में मकबूल से बात करता है, कहता हाँ ठीक है। मैं ये क्लिप खास तौर पे मिर्जापुर के मेकर्स को भिजवाऊंगा। नई सीरीज बनती है, ऐसी सीरीजें बनती चाहिए, बननी चाहिए जो मतलब समाज थोड़ा सा वॉयलेंस कम होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो ऐसी पृष्ठभूमि दिखा रहे हैं तो अब जैसे वो बीमारियां लोगों को हैं, आज जो मेल सफर करते हैं, तो कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है शर्मा से, क्या शर्मा ने, तो समाज की कुरीति को कितना बढ़िया मूवी के माध्यम से दिखाया है। वो भी वो कहता कि मैं बीमार नहीं हूं, मकबूल मकबूल नहीं देखता कि अरे बाबूजी। तो वो प्रेजेंटेशन सबसे प्यारी बात जी। सर आप ना बहुत एक्सप्रेसिव हैं, मतलब आवाज ऊपर नीचे एक्सप्रेशन ये सब, क्या कभी आपका इंटरेस्ट बचपन में ऐसे एक्टिंग वैक्टिंग का भी रहा है, छुपा हुआ? नहीं, मैं ड्रामे बाज रहा हूँ पर मेरा एक्टिंग का कोई शौक नहीं और मुझे मतलब एक्टिंग करनी नहीं, पर मैं ड्रामेबाजी में बहुत बिलीव करता हूँ। जैसे मिर्जापुर के अगले सीजन कोई गेस्ट अपीयरेंस वो अच्छा लगेगा मुझे, कोई क्लास व्लास, जैसे वो क्लास चल रही होती है, मुन्ना भैया दौड़ा रहे होते हैं उस लड़के को और आप वहाँ पढ़ा रहे हो। चलिए अभी समाप्त किया जाए। हाँ थोड़ा लंबा है, मैं लिख के लाया हूँ, कुछ भूले ना। अरे बाप रे। तो आप लोगों पे आजकल वीडियोज बन रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं, मैगजीन में छप रहे हैं, तो लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कोचिंग संस्थानों के मालिक हैं और इनकी फालतू में इतनी आजकल तारीफ हो रही है और बड़ा भारी ये षड्यंत्र है, सरकार क्या कर रही है कि हायर एजुकेशन को ठेके पे चढ़ाने के प्लान में है। तो ऐसे में गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाएगा? फिर आप जैसे लोग आ जाते हैं तो गरीब आपके पास जाएंगे, आप पैसे लेंगे, आप पैसे लेने वाले हैं, विलन हैं, आपको हीरो काहे बनाया जा रहा है? तो ये विलन वाले सवाल पे आप क्या कहेंगे?
मेरा जो कोर्स है रे, मेरा चैनल है रे अवध ओझा करके, मेरा चैनल है उस पर मैंने 50% कोर्स फ्री में डाल रखा है। खान सर 200 रुपए में पढ़ाते हैं, और इस बात को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन अब आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं कर रहा हूं कि नए साल में एक ऐसा कोर्स मैं देने जा रहा हूं सिविल के बच्चों को, तैयार हो चुका है, एवरीथिंग इज रेडी, सिर्फ उसे लागू करना है। तो जिसकी फीस पूरे जीएस की फाउंडेशन की फीस, जो लोग कोचिंग लेती हैं 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए लेती हैं, उसकी फीस सिर्फ 501 रुपए होगी। ये मैं इस चैनल से कह रहा हूं, और रे अवध ओझा पे 50% एंशिएंट इंडिया पूरा फ्री अपलोडेड है, क्योंकि पढ़ना एक टेक्निक है। तो मैं लड़कों से कहता हूं कि तुम यार इतने में सीख लो, फिर खुद ही पढ़ो, क्या जरूरत है स्पून फीडिंग की। तो अब खान सर ठीक है, आरोप लगा रहे हो, अच्छी बात है कि ठीक है भाई आरोप किया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं तो किसी कोचिंग का मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। लेकिन हाँ, अब मैंने ये सोचा है कि मैं पिछले 6 महीने से इस पर काम कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिनके घर में, एक लड़का आया था मेरे पास बिहार से, गौरी शंकर, अभी वो चपरासी का काम कर रहा है एक यहाँ पे दिल्ली में, एक जगह पे 12-13 घंटे का काम है, 14 घंटे का काम है कर रहा है। मैंने कहा तुम भागना मत, यहाँ रुको, काम करो, इससे तुम्हें जीवन का अनुभव मिलेगा, लड़ने की क्षमता मिलेगी, घर मत जाओ। फिर मैंने उससे कहा कि तुम टेंशन मत लो, जनवरी से एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, पूरा कंप्लीट है, और तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, और 501 रुपया तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी अफोर्ड कर ले, क्योंकि फिर मैं स्कूल के अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो जाऊंगा, तो स्कूल के प्रोजेक्ट में बिजी हो जाऊंगा तो मैं इतना ज्यादा टाइम इस फील्ड को नहीं दे पाऊंगा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाता ही रहूंगा, लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि इस चीज को कर देते हैं, समाप्त किया जाए। अवध ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए किताब लेकर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विस्तार पूर्वक इतने सारे सवालों के जवाब दिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस भरोसे के साथ कि आगे भी जब कभी हम संवाद का ऐसा कोई सिलसिला कायम करना चाहेंगे तो आप अपने, सर सोच रहे हैं सर अगले बार का भी कॉल अभी ले लिया नहीं, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके, और अक्सर ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी आपकी श्रवण की स्मृति वो होती है जिसमें आप बाकी चीज़ें भूल जाएँ। दफ्तर में चीज़ें चल रही हैं, जब हम ये शूट कर रहे हैं तो हम, कोई टीम चुनाव की कवरेज के लिए जा चुकी है, कोई जाने वाली है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं भी बहुत मगन होकर सुन रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से देश के विद्यार्थियों को अपने हिस्से का ज्ञान, अपने हिस्से का प्रकाश देते रहें। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में अलग अलग किरदार, अलग अलग व्यक्तित्वों से हम यूं ही रूबरू होते रहेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।